जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय छात्र संसद 2020 दूसरा दिवस पहला सत्र आर्टिकल 370 प्रोज एंड कॉन्स। सभी आदरणीय अतिथियों का रायसोनी ग्रुप की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय छात्र संसद में हार्दिक स्वागत है। सभी लोग स्थान ग्रहण करें। आज का ये जो सत्र है इसमें हम जिस विषय पर विचार मंथन करने जा रहे हैं वो विषय उस प्रदेश से जुड़ा है जिसके बारे में एक बादशाह ने कहा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बस यही है, बस यही है। जिसे जन्नत कहा जाता रहा धरती की, जिसे स्वर्ग कहा जाता रहा धरती का, उसे राजनैतिक परिस्थितियों ने, पड़ोसी देश की चालबाजियों ने ऐसे हालात में पहुंचा दिया था कि तब किसी कवि का मन पुकार रहा था और कह रहा था कि कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी था, डमरू वाले शिवशंकर की जो घाटी कल्याणी था, कश्मीर जो इस धरती का स्वर्ग बताया जाता था, जिस मिट्टी को दुनिया भर में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माँ की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की खुशबू रोती है मरघट की तन्हाई में, ये अग्निगंधा मौसम की बेला है, गंधों के घर बंदूकों का मेला है, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, मैं अभिशाप की परंपरा का चारण हूँ, आज़ादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ, इसलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। घायल घाटी के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशें जारी रही सरकार की ओर से भी, समाज सेवकों की ओर से भी, और फिर एक बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया, आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया गया। पूरे भारत में जहां इसका स्वागत किया गया कि ये कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है, वहीं कुछ तबकों ने इसका विरोध भी किया। हर ओर अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी बातें थी। आज इस पर एक बार पुनः हम विचार मंथन करेंगे और इस विचार मंथन के लिए जो लोग हमारे बीच आए हैं उनका अब हम इस मंच पर स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के इस सत्र के मॉडरेटर श्री अशरफ वानी जी को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जो कि आज तक के श्रीनगर ब्यूरो चीफ हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनको हमने बहुत बार सुना है और उनके विचारों के हम सभी कायल हैं। आप सभी को बता दूं कि पिछले 6 महीनों से घाटी से विमान उड़ान नहीं भर रहे थे। आकाश मार्ग से कश्मीर वासियों का बाकी हिस्सों में आना जाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये राष्ट्रीय छात्र संसद के इस मंच की ताकत थी कि कल विमान उड़ा कई महीनों के बाद और आज अशरफ वानी जी हमारे साथ इस मंच पर हैं। मैं उनका मंच पर स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ श्री देवेंद्र रामटेके जी को। प्रखर पत्रकार अशरफ वानी साहब, चाहे न्यूज राइटिंग की बात हो या उसके संपादन की, पत्रकारिता की बात हो या मीडिया रिलेशंस की, लोग इनको सुनकर देखकर सीखते आए हैं। आपको राजनीति की और भारत के समाज मन की और साथ साथ कश्मीर की तासीर की, उसकी आत्मा की गहरी समझ है अशरफ वानी जी। अब इस सत्र के वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। इस सत्र में जो वक्ता हैं वो न केवल अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, माहिर हैं, ज्ञाता हैं, बल्कि उनमें वो हैं जिन्होंने कश्मीर के संघर्ष को, कश्मीर की परिस्थिति को केवल समझा ही नहीं बल्कि उसे जिया है और उन सब चीज़ों को
सहन किया है, झेला है, उससे उबरे हैं, जिन्हें हम केवल टीवी पर देख पाते हैं। मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ वो भारत के रक्षकों में शामिल हैं, जिनके भरोसे इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, उनका वो नेतृत्व करते आए हैं। पूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। कश्मीर में एक दशक से अधिक का समय उन्होंने गुजारा है, और न केवल कश्मीर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी, जहां भारत का प्रतिनिधित्व और भारत के सुरक्षा हितों की बात आई है, वहां लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की बुलंद आवाज सुनाई दी है। मैं उनका स्वागत करने के लिए प्रोफेसर अमीना वली को मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान था, और आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्तियों में, देश के सुरक्षा मसले के जानकारों में आप माने जाते हैं। Currently, he is a distinguished fellow with Center for Land Warfare Center, an adjunct fellow with Institute of Chinese Studies, and defense expert, which we always see on TV and seminar discussions. इसके बाद मैं जिन्हें आमंत्रित कर रही हूँ अकादमिक तबके में, उनका बड़ा नाम है, अग्रणी चिंतकों और विचारकों में उनकी गणना होती है, प्रोफेसर डॉक्टर कपिल कुमार, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर सोफिया अंसारी को आमंत्रित कर रही हूँ। डॉक्टर कपिल कुमार इज ऑथर ऑफ पीजेंट्स इन रिवोल्ट, ही हैज एडिटेड कांग्रेस एंड क्लासेस, एंड ही हैज पब्लिश्ड मेनी रिसर्च पेपर्स ऑन हिस्ट्री एंड टूरिज्म स्टडीज। He is President, Professors Forum of India, Working President, Indian Tourism Congress, former member, Press Council of India, Dr. Kapil Kumar Ji. अगला नाम जो इस पैनल में है वो आपके लिए सुपरिचित नाम है, वो यहाँ पर इससे पहले भी आ चुके हैं लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए। I would like to call upon actor, filmmaker and trainer Phonsuk Ladakhi Ji. फुनशुक लद्दाखी जी एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के साथ रीजनल म्यूजिक में भी उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया है। वो FTII के विजिटिंग फैकल्टी हैं और एक प्रशिक्षित योग गुरु भी हैं। आपका स्वागत करने के लिए डॉक्टर शक्ति शर्मा को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। एक क्या आपको अनेक तालियां मिलेंगी सर, अभी तो शुरुआत है। इसके बाद इस पैनल के जो अगले पैनलिस्ट हैं, श्री शोएब जमेई, ही इज मीडिया पैनलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन। मैं उन्हें भी आपकी तालियों के साथ इस मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, और मिसेस प्राची सासनकर से निवेदन करती हूँ कि शोएब जमेई साहब का इस मंच पर स्वागत करें। तो ये मंच निश्चित रूप से जिस विषय पर आज विचार मंथन करने जा रहा है, सभी पक्ष, सभी पहलू इस मंच पर सामने आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगले एक घंटे तक हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो आपस में विचार मंथन करेंगे, उसके बाद हमारे दो स्टूडेंट स्पीकर्स आपके सामने अपनी राय रखेंगे, और उसके बाद आपके प्रश्नोत्तर के लिए ये मंच खोला जाएगा। तो अब ज़रा भी वक्त न गंवाते हुए, क्योंकि इतने एमिनेंट पैनलिस्ट इस मंच में हैं,
मैं मंच अशरफ वानी साहब को और हमारे पैनलिस्ट को सौंपती हूँ। गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। माइक पैनलिस्ट के सभी माइक ऑन करिए प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले ये जो रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, इसको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उस विषय को आज यहाँ पर चर्चा के लिए चुना है जो विषय न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया में चर्चा का एक विषय बना है। और साथ ही साथ जिन मेहमानों को या जिन एक्सपर्ट्स को इसमें बुलाया गया है वो भी उतनी पकड़ इस टॉपिक पर रखते हैं जितना मुझे उम्मीद है कि शायद ही हिंदुस्तान में किसी को इस मुद्दे पर या इस चीज़ पर इतनी ज़्यादा ग्रिप या महारत होगी या नॉलेज होगा या पता होगा। क्योंकि मेरे दाएं ओर जो हैं जनरल साहब, इनकी तारीफ आपने सुनी ही, उसके साथ साथ चूँकि वो जब डिप्टी आर्मी चीफ थे देश के, लेकिन एक दशक कम समय नहीं होता है वो कश्मीर में, कश्मीर की हर एक जगह पर देश की हिफाजत के लिए रहना, हर चीज़ को दिल से और अपनी आँखों से महसूस करना। क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक जगह पर पहुँचना या हर एक चीज़ को महसूस करना या हर तबके के लोगों से मिलना आम लोगों से दूर है। लेकिन आर्मी के जनरल होते हुए, जनरल साहब और एक जनरल ही नहीं, उससे पहले भी जब से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की अलग अलग पड़ावों पर कश्मीर में रहे तो उनको उसके बारे में जानकारी है। और मेरे बाईं ओर फुनसुख लद्दाखी साहब, मैं कल ही इनसे बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई एक्टर है जिसने फिल्म और टेलीविज़न को राज्य तक लाया, पहले लद्दाख तक और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक, वो फुनसुख लद्दाखी साहब ही हैं। और वो भी जम्मू कश्मीर के एक एक चप्पे से, वो एक्टर नहीं है ये जो एक्टर सिर्फ कैमरे के सामने आएंगे, ये वो एक्टर हैं जो ज़मीन पर होते हैं, जो अपनी आँखों से और अपनी चलने फिरने से लोगों के बीच बैठने से अनुभव हासिल करते हैं। वरना एक्टर जो होता है या फिल्म मेकर होता है ज़्यादातर स्टूडियोज़ में उनकी लाइफ गुजरती है। लेकिन फुनसुख लद्दाखी साहब अलग एक उस तरह के एक्टर और उस तरह के आर्टिस्ट हैं जो ज़मीन पर रहता है और हमेशा आपको ज़मीन पर मिलेगा। और कपिल शर्मा साहब की तारीफ की ज़रूरत नहीं है, इनको देश जानता है, इन्होंने जो लिखा है, इनको जितना अनुभव है देश की हिस्ट्री पर, अंतर्राष्ट्रीय हिस्ट्री पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जितने भी रिश्ते रहे हैं, जितने भी कड़वाहटें रही हैं उनको लेकर। और जमाई साहब भी एक नौजवान, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इनके दिल में भी शौक है, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। और ख़ास तौर से जो मुस्लिम फाउंडेशन एक एनजीओ है, इन्होंने वो इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, उसका गठन भी किया है और उसके साथ जो हिंदुस्तान के युवा मुसलमान हैं उनमें अपनी बात और उनके जज्बात को कहीं ना कहीं आगे लेने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं 2-3 मिनट लेना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरी जितनी भी उम्र है सब जम्मू कश्मीर में ही गुजरी है और खुशकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई चप्पा होगा जहां पर मैं नहीं गया हूं। जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के उस पार जो एक हिस्सा जिसको पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भी कहा जाता है, उसके चप्पे चप्पे में भी शायद मैं वाहिद एक जर्नलिस्ट हूं इस जम्मू कश्मीर का जो वहां भी हर जगह पर जाने में और पहुंचने में कामयाब रहा है और वहां की जमीनी हालात से भी उसी तरह पूरी तरह वाकिफ हूं जिस तरह से अपने जम्मू कश्मीर के हालात से वाकिफ हूं। जम्मू कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं है, ये जो पहले स्टेट था आर्टिकल 370 से पहले एक मिनी इंडिया था। असल में जो हिंदुस्तान का कंसेप्ट है उसकी प्रेरणा अगर कहें तो वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से मिलती है। जम्मू कश्मीर लद्दाख तीन हिस्से इसमें थे, तीन रीजन्स थे। खासियत क्या है, जहाँ एक तरफ इस छोटे से स्टेट में जो जिसको देश का ताज भी कहा जाता है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं,
बादशाहें करीब अगर जम्मू कश्मीर की देखेंगे तो उतने उतनी छोटी सी जगह पे 16 से ज़्यादा लोकल जो बादशाह या बोलियां जिनको बोलते हैं वो हैं, और उनमें से शुरू मतलब जो नेशनल में जो नेशनल लैंग्वेज जिनको स्टेटस मिला है वो भी तीन है, डोगरी, लद्दाखी, कश्मीरी, जो अलग से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पहचान है। लेकिन बहुत कम आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जब आप देखते हैं, आप इंडिया के मैप पर जब नज़र ऊपर मारते हैं तो आप एक नक्शा देखते हैं, एक जिसको जो सिर है हमारे देश का, तो जम्मू कश्मीर आप समझ जाते हैं यही जम्मू कश्मीर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कम लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर जो मैप हम देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यही आपके जहन में होता है जब जम्मू कश्मीर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, इसी तरह का मैप आपके जहन में है जो पढ़ते हैं आप देखते हैं, है ना? बिल्कुल, आप बताइए ना, थोड़ा सा डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाइए आप भी, छात्र लोग जितने भी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा हमारे कब्जे में अभी भी नहीं है। यह जम्मू कश्मीर जो आप देख रहे हैं यहां पर, जो हमारे देश के नक्शे में भी है, बदकिस्मती की बात है जब चीन अपना नक्शा कहीं पर इंटरनेशनल स्टेटस में लाता है वो भी इसको अपने साथ जोड़ता है, जब पाकिस्तान का मैप उनके देश में या उनके किताबों में या उनके टेक्स्ट बुक्स में आता है तो वो अपने उस नक्शे में इस पूरे हिस्से को अपने साथ दिखाते हैं। यह एक वो दुविधा है जिसको बहुत सारे कम लोगों ने समझा है। ये जो मैं आपको मैप दिखाऊं, इतना छोटा सा हिस्सा नीचे वाला जो है वो जम्मू कश्मीर वो है जो इस वक्त हमारे कब्जे में या हमारे देश के कब्जे में है। और ये जो पूरा मैप जम्मू कश्मीर का है ये 1947 से पहले था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जम्मू कश्मीर स्टेट जो था वो एक उस तरह का स्टेट था जिस तरह से बाकी कई सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी जिनमें राजा महाराजा चला रहे थे, अलग अलग राजघराने चला रहे थे, तो उनमें से एक स्टेट जो था वो जम्मू कश्मीर भी था जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पूरा इलाका इनके कब्जे में था लेकिन जम्मू कश्मीर उनके पास नहीं था। जम्मू कश्मीर में पहले अलग अलग रोल अलग अलग दौर में वो उसके उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1947 में ये स्टेट महाराजा हरि सिंह के पास थी, ये उसकी जागीर थी, ये उसी की स्टेट थी और उसी को तय करना था कि वो किसको ये स्टेट दे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ जम्मू कश्मीर ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बना ना ही भारत का हिस्सा बना, ये स्टैंड स्टिल पे रहा। लेकिन उसी बीच चूंकि जब पाकिस्तान बना उनको ये लग रहा था कि जम्मू कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट है, उसकी सरहद मैक्सिमम पाकिस्तान के साथ मिलती है, ये ऑटोमेटिकली हमारा हिस्सा बन जाएगा, तो शायद यही कारण था कि जो पाकिस्तान के शासक थे उन्होंने उस वक्त समझा था कि एक ब्लैंक चेक है, जब भी पूरे देश में सब तब उस वक्त के हालात सुधर जाएंगे तो शायद जम्मू कश्मीर जो है अपने आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा ड्यू टू द पॉपुलेशन सेंसस, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के कारण जो दोनों देशों में एक फार्मूला बना था कि पाकिस्तान वो स्टेट्स जाएंगी जिनमें मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन होगी और जो मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन होगी वो हिंदुस्तान और भारत का हिस्सा बनेगा, तो उस वक्त ये ऑप्शन एक था। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हिंदुस्तान का दिल देखना हो या हिंदुस्तान की जो परंपरा है, जो हिंदुस्तान का रूह है जिसको हम कहते हैं सोल, वो जम्मू कश्मीर से ही उभरता है। इतनी सारी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म, इतने सारी सोशल लाइफ, इतनी सारी इतिहास, जहां कश्मीरियों का रहन सहन खाने पीने का तरीका अलग है, वहीं पर लद्दाखियों का रहना खाना पीना उनकी भाषा उनका धर्म अलग है, वहीं पर जम्मू जहां देखेंगे उनका खाना पीना बोली रिवाज रहना सहन बिल्कुल डिफरेंट था, और उसी तरह फिर उन छोटी छोटी तीन हिस्सों में भी, लद्दाख में भी बल्ती थे अलग थे, जो आर्यनज हैं वो अलग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं या लद्दाखी जो ओरिजिनल हैं वो भी एक मतलब है तो एक ही कौम, लेकिन फीचर्स या उनके जो कहेंगे छोटे छोटे जो हैं वो अलग, इसी तरह कश्मीर में भी हैं डिफरेंट लोग, अगर आप कश्मीर में भी छोटी सी जगह पर भी अलग अलग एरियाज में जाएंगे, आप गुरेज की तरफ जाएंगे आपको अलग तरीके के लोग, अलग तरीके की भाषा, अलग तरीके का रहन सहन दिखेगा,
वैली में जाएंगे जो कश्मीर वैली है उसमें अलग तरीके का तरीका दिखेगा और उसी तरह आप और एक कुछ एरियाज हैं जनरल साहब को ज्यादा पता है तो डिफरेंट है तो तब ये मामला था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ कि 1947 में पाकिस्तान ने इस जम्मू कश्मीर को हटाने के लिए कब्जा जमाने के लिए कबायली भेजे, कोई फौज वहां नहीं थी, महाराजा की स्टेट थी, लेकिन उसके पीठ के पीछे पाकिस्तान ने कबायली भेजकर इस जमीन को इस स्टेट को हड़पने की कोशिश की ताकत के बलबूते पर। महाराजा परेशान हुआ, उसने डिसाइड किया कि मैं क्या करूं, तो उसको लगा कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के तब एक पॉपुलर लीडर हुआ करते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो तब डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जम्मू कश्मीर में लड़ रहे थे और उनको भी लोगों का बहुत साथ था। महाराजा के साथ साथ शेख अब्दुल्ला भी इस, क्योंकि वो एक लोकप्रिय नेता थे, वो चाहते तो महाराजा की विल या विश को साइडलाइन भी कर सकते या उसका विरोध भी कर सकते, लेकिन ही सपोर्टेड इट। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, हम पाकिस्तान इस तरह से हमने अभी तो हमने कोई डिसाइड ही नहीं किया है, दे केम विद फोर्स एंड डिसाइडेड टू टेक दिस पार्ट ऑफ द कंट्री आर दिस स्टेट टूवर्ड्स देम, उन पर क्या भरोसा किया जा सकता है, दे सीक्रेट हेल्प फ्रॉम द इंडिया, उन्होंने गवर्नमेंट इंडिया से कहा कि हमें मदद चाहिए, हमें आप फौज दे दीजिए ताकि जो रेडर्स पाकिस्तान से आए हैं इनको आप यहां से निकालें। भारत ने फौज भेजी अक्टूबर के महीने में, फौज इंडिया की पहली बार 8 अक्टूबर को लैंड हुई श्रीनगर एयरपोर्ट पे। उसके बाद उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, उनको वहां से खदेड़ा, लेकिन कुछ पोर्शन जो है इस इंडिपेंडेंट स्टेट का पाकिस्तान के कब्जे में रहा, जिसको पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। और अब की बार जो बात अब चल रही है, अब की बार पीओके पार, मतलब अब पीओके को लेकर जो है बात हो रही है कि उसको किस तरह से वापस लिया जाए और स्टेट का हिस्सा बनाया जाएगा। उतना ही नहीं है, जब वो पीओके बना, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी जम्मू कश्मीर का गिफ्ट में चाइना को दे दिया, क्योंकि वो चाइना को आर्थिक मदद लेने के लिए या दूसरी चीजें के लिए, जिसको अक्सेशन बोलते हैं। तो ये जो मैं आपको नक्शा दिखा रहा था, तो इसमें फिर क्या है, ये वाला पोर्शन जो है पीओके, उसमें से कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान ने अपने मुल्क के साथ उसको अलग स्टेट बनाया है, और छोटा सा एक हिस्सा रखा है जिसको वो आजाद कश्मीर वहां बोलता है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। दूसरा जो ये कोना है, ये सिरा, ये चीन ने खाया है, अक्से चीन के नाम से है वहां पर, और केटू जो सबसे बड़ी चोटी है वो भी इसी एरिया में आती है, एवरेस्ट के बाद वो भी इसी इलाके में आती है। तो ये छोटा सा नीचे जो हिस्सा है उसमें से लद्दाख सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से जम्मू कश्मीर का हिस्सा, अब यूनियन टेरिटरी के बाद वो अलग रहा, और कश्मीर एक छोटा सा एक हिस्सा, ये जो है जम्मू कश्मीर, इसमें जम्मू और कश्मीर है, ये अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दूसरा हिस्सा है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जो ये आज का टॉपिक है उसी पर हम लौटते हैं, आर्टिकल 370 प्रोस एंड कॉन्स, या हम छोटे मोटे में ये कहेंगे कि इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे। मेरी अपनी राय क्या है मैं तो वो बाद में डिस्कशन में, लेकिन पहले हम चार एक्सपर्ट से इनको थोड़ा थोड़ा सा समय देते हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि किसका पक्ष क्या है, फिर आप सवाल भी पूछेंगे। मैं पहले जनरल साहब को माइक दे दूंगा, उन्हीं से पूछूंगा। जनरल साहब आप मुझे बताइए, आपने इतना टाइम कश्मीर में गुजारा, जम्मू कश्मीर में गुजारा, जो 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर लद्दाख को दो हिस्सों में बांटा गया, एक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बनी और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनी, और 5 महीने से ज़्यादा समय बीत गया है। मैं क्योंकि वहाँ पर रहता हूँ, वहाँ से रिपोर्टिंग करता हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि 3 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर में हालात पटरी पर आएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा फिर नहीं 3 महीने नहीं 4 महीने में कश्मीर के हालात बिल्कुल पटरी पे आएंगे। 5 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, इंटरनेट जम्मू कश्मीर में बंद है, अभी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको आप भी अच्छी तरह जानते हैं, चाहे वो 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो अभी भी हिरासत में, उनके साथ साथ जितने भी बाकी लीडर हैं वो भी हिरासत में हैं। उस बीच आज देश के 18 मंत्री अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम दिल्ली से निकलकर जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और वहाँ पर लोगों को समझाएंगे
कि आर्टिकल 370 से क्या फायदा उनको होने वाला है. मुझे ये नहीं समझ आता है, क्या वहां के लोगों को ये पता नहीं है कि आर्टिकल 370 से उनको क्या फायदा था और ये कटने से क्या फायदा है? आप अपनी तरीके से ब्रीफ कर लीजिए, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है. जनाब अशरफ, आपने बहुत एकदम डॉट के ऊपर में सवाल पूछा है. मुख्य तौर पे आपने बोला कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ. इनफैक्ट मेरे को 5 अगस्त 2019 सबसे हिस्टोरिक डे दिखाई देता है. एक पैराडाइम शिफ्ट, एक हिस्टोरिकल एरर को करेक्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, और वो एरर जो आर्टिकल 370 था, ये हिस्टोरिकल एरर था मेरी नजर से. देखिए, मैं फौजी आदमी हूं, एक वॉरियर हूं, एक सैनिक हूं, 40 साल फौज में नौकरी किया है, 10 साल कश्मीर में बैठा हूं. मैं अपनी नजर, मैं अपने आप को एक फौजी होने के नाते कुछ एक मेरे नजरिया हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. पहली बात, मेरे को हर एक चीज के अंदर में नेशन फर्स्ट नजर आता है. मेरे को हर एक चीज में वन नेशन सब समझ आता है. मेरे लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्रेड है, और मेरे को सबसे ज्यादा फेथ है डेमोक्रेसी के अंदर में. मैं अपॉलिटिकल हूं, मैं सेक्युलर हूं, और मैं प्रोफेशनलिज्म हूं. अगर मैं इस चश्मे से, इस जिंदगी के आधार से देखूं आर्टिकल 370, तो बिल्कुल क्लियर है मेरे को कि ये हमारे देश के साथ एक धोखा था, एक वन नेशन के साथ धोखा था. इनफैक्ट 65 ईयर्स लगे हैं इस 5 अगस्त को पहुंचने के लिए. और 5 अगस्त को क्या हुआ, जो एक टेम्पररी, जो एक ट्रांजिशनल, जो एक प्रोविजनल चीज थी, उसको एकदम एब्रोगेट किया है, और क्या बाखूबी से किया है. इनफैक्ट एक नागरिक होने के नाते से 5 अगस्त को जो नशा आया, जो 10:20 में जो नशा आया, मैं तो उस घड़ी की बात कर रहा हूं जब प्रेसिडेंट ऑर्डर, फर्स्ट स्टेप, 2 रेजोल्यूशन और 2 बिल एकदम पिछले 70 साल को एकदम जमीन से उखाड़ के निकाल दिया. पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कश्मीर कार्ड था, जिस कार्ड के सहारे उन्होंने प्रॉक्सी वॉर, जिहाद वॉर, एक्सट्रीमिज्म और ये जो जितना भी टेररिज्म का कहानी था, एक कदम से, एक मोमेंट से एकदम बिल्कुल निकाल दिया अंदर से. मैं क्यों इतना नशे से बोल रहा हूं, मैं क्यों आत्मा के स्तर के ऊपर में बोल रहा हूं, क्योंकि ये चीज, ये बात की आर्टिकल 370 एक एम्बिग्युटी थी, एक ड्यूलिटी थी, एक डाउट था, एक शक था, एक सवाल था कि क्यों मेरे भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्यों मेरे भारत का एक फ्लैग नहीं है, क्यों मेरे भारत की एक सोच और एक विचार नहीं है. उस दिन ये सब हासिल हुआ. अशरफ साहब, आपने तो बोला 3 महीने, चाहे इसके लिए 3 साल भी लग जाए, कोई प्रवाह नहीं है, 65 ईयर्स. और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 10 साल जो मैंने कश्मीर के अंदर में गुजारे हैं, मेरे को सबसे प्यारे हैं कश्मीर अवाम. उन्होंने बहुत दुख सहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है. उनके पास में ना डेवलपमेंट, ना इकॉनमी, ना एजुकेशन, बहुत तकलीफ सही है. उन्होंने पिछले 30 साल से, 1989 से, उन्होंने सिर्फ देखा है कॉर्डन एंड सर्च, उन्होंने देखा है फौज को. और इन सब के पीछे जो, इसलिए मैं अपने आप को कहता हूं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है काउंटर टेररिज्म का, वो है कश्मीरी आवाम, वो है मेरा परिवार. और मैं ये भी कहता हूं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है टेररिज्म का, वो है पाकिस्तान आर्मी, ISI और टेररिस्ट ग्रुप, जिन्होंने ये पूरा जो तांता बांता है ना प्रॉक्सी वॉर का, ये जो टेररिस्ट स्ट्रेटेजिक टूल है, ये उनका बुना हुआ है. और मुझे खुशी है कि इस 5 अगस्त के बाद में इस एक प्रेसिडेंट ऑर्डर ने, इस 2 रेजोल्यूशन ने और 2 बिल ने एकदम चीज साफ कर दिया. उन्होंने इसको नया रूप दे दिया है एकदम. सबसे ज्यादा दिल में दुख होता है कि जो मेरा भारतवर्ष है, इसकी जो बाउंड्री है वो जाती है पमीर नॉट में. जो अशरफ साहब ने मैप दिखाया है, जो भारत का बाउंड्री है वो है अफगानिस्तान, तिब्बत और इंडिया. चाइना और पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं है.
पीओके तो एक ट्रांजिटरी चीज है, ये किसी को शक नहीं होना चाहिए इस परिवार के अंदर में कि पीओके हमारा नहीं होगा। सिर्फ एक दिन की बात है, एक डिसीजन की बात है। मैंने 10 साल काटे हैं वहां पर और हर वक्त यही अपने दिमाग में सोचा है कि वो दिन कब आएगा जब सरकार हुक्म देगी और इंडियन आर्मी पीओके को दोबारा इंटीग्रेट करेगी। और इसको और इस बात को कोई रोक नहीं सकता है। आपने बोला अशरफ साहब, आपने बोला कि प्रोस और कॉन क्या है। मैं तो जितना भी आर्टिकल 370 के फायदा ढूंढने की कोशिश करता हूं, मेरे को तो एक भी नहीं मिलता है। और जो मिलता है वो सिर्फ पाकिस्तान की नजर से ही मिलता है, जहां वो लोग जो वन नेशन में बिलीव नहीं करते हैं उनकी नजर से दिखाई देता है। देखिए अभी पूरे भारतवर्ष ने, पूरे परिवार ने एक निश्चय लिया है, एक रेजोल्यूशन लिया है कि हम उस हरेक कश्मीरी को जो अभी तक उनको नहीं मिला था वो देना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, इसमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। मैं यहीं पर आपको वापस बताना चाहता हूं कि मेरे को 5 अगस्त 2019, और ये एक्चुअली 2019 का साल, 26 फरवरी जब हवाई जहाज उड़ के बालाकोट में हमला किया, 27 फरवरी जब पाकिस्तान के F-16 को गिराया, 1 मार्च जब अभिनंदन एक अभिमान के साथ में भारत में वापस आया, ये जो 2019 था ना, ये जो 2019 था, इसने भारत की सोच, नेशनल डिसीजन, नेशनल विल और नेशनल रिजॉल्व को नया शेप दिया है। मेरे को तो कोई कौन सा दिखाई नहीं देता है। कौन सा दिखाई देता है तो वो है कि 42,800 हमारे लोग मरे हैं 370 के कारण। मेरे को नजर आता है कि 2,42,000 crore रुपीस हैव बीन वेस्टेड आउट एंड देर इज नो डेवलपमेंट। ये मेरे को मुख्य तौर पर नजर आता है। फुलसुख साहब, आप उस जम्मू कश्मीर में पले बड़े, अपना कैरियर शुरू किया जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही स्टेट थी, ऐतिहासिक भी है, साथ भी रहा है। अगर कश्मीर में कुछ इसको लेकर विरोध हुआ, लेकिन लद्दाख खासतौर से जहां से आप आते हैं वहां पर तो खुशियां मनाई गई। आपको पकड़ है, आप सिर्फ लद्दाख में ही नहीं रहे, आप देश दुनिया घूमते हैं और खासतौर से जम्मू कश्मीर लद्दाख जो तीन एक कंप्लीट स्टेट है उसमें आप पले बड़े हैं। कश्मीर में आपने मैक्सिमम टाइम गुजारा है, जम्मू में रहे हैं। आपको क्या लगता है जो ये अनुच्छेद 370 है इसके हटने से फायदे जम्मू कश्मीर को हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर की जनता को, या नुकसान हो रहे हैं? मैं जनता की बात कर रहा हूँ, सरकारों या मुल्कों की बात नहीं। अशरफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। मैं एक दोहा बोलूँगा पहले। हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। संसार में जो कुछ होता है उसमें कारण होता है। जनरल साहब, आपसे कहना चाहता हूँ, सर मैंने इस स्टेज पे 22 दिन 25 बच्चों को एक्टिंग का ट्रेनिंग दिया सर, कंटिन्यूसली सर, 2 years बैक। सो आई एम बैक इन दिस, दिस इज ए मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है नागपुर आना। और मैं रियली जवाब देना चाहता हूँ जो अशरफ साहब ने मुझसे पूछा। सर ऐसा है, मैं बच्चों से जो यंग है आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान सिर्फ तीन किस्म का होता है, इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। एक श्रुत ज्ञान जो सुनी है पढ़ी है, एक चिंतन ज्ञान जो कंटेम्पलेट करते हैं, और आखिरी ज्ञान होता है अनुभव। अनुभव तो मैं आप लोगों को अनुभव सुनाऊंगा। इन्होंने सही पूछा एक लद्दाखी से, इन्होंने क्या फरमाया हमारे भाई ने, अशरफ साहब ने, जम्मू कश्मीर लद्दाख ठीक फरमाया। क्योंकि वहाँ अशरफ साहब ऐसा है, फैक्ट है, मेजॉरिटी मुस्लिम थे वहाँ, तो कभी इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख नहीं बोला आज तक, हमेशा जम्मू कश्मीर। तो वी फेल्ट वेरी वेरी मच, यू नो, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं था। और जम्मू कश्मीर लद्दाख में, जम्मू और कश्मीर के लिए सबसे सीमेंटिंग फैक्टर तो लद्दाख है। एरिया भी सबसे ज्यादा है, नेशनलिस्ट है वहाँ, टूरिज्म तो छोड़ो, एक आदमी आतंकवाद तो छोड़ो, एक आदमी घुस नहीं सकता है, क्योंकि लद्दाख के 1.5 लाख मुसलमान और 1.5 लाख जो बुद्धिस्ट है, दे आर टोटली इंडियंस। दैट वाज प्रूव्ड इन करगिल वार। वो करगिल वार में
सिद्ध भी हुआ था जब करगिल वाद करगिल की जंग 1999 में हुई थी, वो जंग फौज के साथ साथ वहां के अवाम ने लड़ी थी। और करगिल जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने अपने कंधों पर और लद्दाखियों ने अपने कंधों पर बोझ ले लेकर रोटियां बना बनाकर भारतीय फौज के नेक टू नेक उस जंग को लड़ा। आप एंकर हैं, मुझे बोलने दीजिए, है ना। इन्होंने हमारे लद्दाख भाइयों का क्रेडिट जल्दी छीन लिया है मुसलमान के नाम से। देखिए, हमारे लद्दाख के जो मुसलमान है उन्होंने जब आर्मी के साथ चीज़ें लेके गए एम्युनिशन, तो कसीदे गाते हुए गए, कसीदे गाते हुए मुस्लिम रिलीजियस सॉन्ग गाते हुए गए, तो कफन सर पे पहन के गए। तो लद्दाख के अपना जलवा है। और जनरल साहब कोर कमांडर रहे हैं, इनको चप्पा चप्पा मालूम है लद्दाखी के साइकोलॉजी आगे, कश्मीर का साइकोलॉजी क्या है, जम्मू का साइकोलॉजी, इनको तीनों का नब्ज है। तो मेरे भी बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपके साथ यहाँ हूँ। और सर के अशरफ साहब के सवाल का और एक जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला भाई लोग खुश है कि नहीं है। सर मेरा ये मानना है पब्लिक तो खुश है जम्मू कश्मीर लद्दाख में हर जगह कि 370 हट गया, लेकिन जो पॉलिटिशियन है जिनका खेल खराब हो गया वो बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ तो बेचारे अंदर हैं। और देखिए जो लोग अंदर है उनके पीछे कोई है नहीं, वो नजर आ रहा है, उनका कोई ताकत भी नहीं। उन तो अगर ताकत होता तो अभी तक कुछ होना था। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ सर, और एक बात सर, एक फलसफा, लाइफ इज डायनेमिज्म, थिंग्स आर चेंजिंग, हाउ कैन कश्मीर बी ऑलवेज स्टैटिक। भाई हम ऐसे रहेंगे, हमें मत छेड़ो, छुई मुई, नो, व्हाट इज दिस। पूरा ब्रह्मांड चेंज हो रहा है। आप लोग घर से आज यहाँ आए, जब से घर वापस जाओगे तब तक समय निकल गया, हम लोग थोड़ा थोड़ा बूढ़े हो गए। वी कांट स्टॉप चेंज। तो कश्मीर में चेंज आना, कश्मीरियों को फेस करना, हमें ये सब, वी आर प्रिपेयर फॉर इट सर। और ऐसा है सर हमारे लद्दाख के बारे में, लद्दाखियों को भी 370 के जाके 35A जाने से नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारे ज़मीन का अभी थोड़ा हमें मुश्किल पड़ेंगे, लोग ज़मीन ले जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। लेकिन हमें नेशन में भी हमेशा हम छुई मुई कैसे रहेंगे? ओनली वी प्रोटेक्ट, ओनली कश्मीरी लद्दाखी और जम्मू को प्रोटेक्ट करो, ये तो बिल्कुल ही नॉट एक्सेप्टेबल टू द होल वर्ल्ड। वी बिलीव इन चेंज। अनिच्चा बोलते हैं इसको, चेंज को पाली शब्द में अनिच्चा, अनिच्चा मतलब पल पल, क्षण प्रति क्षण हम बदल रहे हैं। सिर्फ कश्मीर नहीं बदलो, 370 पड़े रहो। और ये अशरफ मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, अब मैं इनको एक प्रूफ दूंगा, ये मानेंगे। अभी हम दोनों सर जम्मू कश्मीर, एक मिनट, हमें एक, हम बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, चाय पीने नहीं आए। सुनो मैं अशरफ साहब को बता रहा हूँ, हम दोनों कश्मीर में है ना, हम चप्पे चप्पे को जानते हैं, सर भी जनरल साहब भी जानते हैं। 40 साल से कश्मीर में ना पुल बदला है, ना बिल्डिंग बदला है, जब जाओ वैसे पड़ा है। नागपुर आओ तो गेट बदल गया, दुकान बदल गया, बॉम्बे जाओ तो ये बन गया। अरे इंडिया इज इंप्रूविंग, कश्मीर इज नॉट इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ 370। आई एम टेलिंग यू, कश्मीर इज नॉट इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ 370। बीच में आड़ा डाल दिया, इधर लाओ जी बजट, आधा इधर रखो आधा उधर रखो, इधर बोल दे 370। और कश्मीरी लोग दुनिया में बहुत खूबसूरत, इनका चेहरा देखो कितना खूबसूरत है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेस इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कल्चर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंड। 370 उनको स्लीपिंग पेल दे रखा है, जिन्होंने भी 370 बनाया उन्होंने हिंदुस्तान को दुविधा में डाला। हाउ कैन वी हैव वन नेशन एंड टू फ्लैग, टू प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और जैसे जनरल साहब ने जोश से फरमाया, वाकई 5 को कोई उठ के ये तीर निकाल दिया। जब ऑपरेशन होता है थोड़ा पेन होता है, अभी थोड़ा छटपट आएगा, अब हीलिंग होगा और कश्मीर इंशाल्लाह 10-15 साल में दे यू विल बी लीडिंग अस, हम वहां से प्राइम मिनिस्टर निकालेंगे, हम वोट देंगे। और कश्मीरी बच्चे बोस तिमनसन पढ़ा, मैं उनके साथ पढ़ता हूं, दे आर कैपेबल पीपल, दे आर कैपेबल। ऋषि है, मुनि है, सूफी है, संत है। कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन पॉलिटिशियन ने रियली खराब। और एक पर्सनल बात बताऊंगा सर, जनरल साहब आई वांट योर अटेंशन सर, इधर देखिए सर, मैं अंदर की बात बताऊंगा, सुनो। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं, मुझे हर जगह प्यार मोहब्बत मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा बातों नहीं हूं और मैं हिंदी सुनता हूं, हिंदी बोलता हूं, आप देख रहे हो, मैं हर जगह कम्युनिकेशन करता हूं।
अशरफ साहब मेरे से बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन किसी कश्मीरी ने आज तक मुझे कभी कम्युनिकेट नहीं करते, दे इग्नोरस, जैसे है ही नहीं है, चमार है, हमको चमार समझते हैं, छूना नहीं चाहते हैं। आई फेल्ट इट, आई मेट फारूक अब्दुल्ला 10 times, ही वुड नॉट कम्युनिकेट विद मी, ही कैन सी ये 30 mark है, ये भी तेज, इसको रखो वहीं। महबूब मुफ्ती जी ने मुझे एक सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया सर, आई यूज टू कॉल माई सेल्फ मैडम आई एम पेपर टाइगर, सिर्फ साइन करना होता था, मेरा कुछ चलता नहीं था। तो हुआ क्या सर, कश्मीरियों का क्या है, हमारे साथ जम्मू कश्मीर में चेंजेस आना जरूरी है, और मैं आपके साथ हूँ। अगर 35A के लिए जैसे जम्मू वाले ने जुलूस निकाला, हम बोलेंगे 35A फिर लाओ, हमें थोड़ा सेफ्टी कुछ करो, ये हम बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे जी हमेशा हमारा ही स्टाइल हो तो दैट इज अनरीजनेबल। और आप अच्छी तरह जानते हैं हिंदुस्तान ने कोई कसर ही नहीं छोड़ा जहां तक बजट का सवाल है, कितने बजट दिए, ये तो दोनों जगह से बजट लेते हैं, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, पछुखेवान पछुकरण साफ। तो ये क्या था, बच्चों के लिए बोल रहा हूं, श्रुत ज्ञान नहीं था, चिंतन मनन नहीं था, मैं अनुभव सुना रहा था। एक लद्दाखी हूं जिसने कश्मीर का तीर खाया है, 370 का तीर खाया है, डिस्क्रिमिनेशन का तीर खाया है, हमने सांस लिया है डिस्क्रिमिनेशन में, श्रीनगर जाना है, सेक्रेटरीट में जाना है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये फैक्ट है। और इन्होंने मुझे लीड दिया, इन्होंने खुद बोला चूंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, मेजॉरिटी बहुत तंग करता है, हर जगह तंग करता है, ये फैक्ट है। और माइनॉरिटी जो होता है बहुत चालाक होता है हमेशा, पंडितों को चालाक बनना पड़ता था सर्वाइवल के लिए, बने और क्या करें, अभी ये चारों मुझे मिलेंगे मारेंगे, यहां चार ही आदमी मुझे मारे, मैं चालाक ही बनूंगा ना, मार तो सकता नहीं वापस, तो मुझे चालाक ही करना पड़ेगा। तो हम भी वहां दब दब के जिए हैं, 370 ने हमें यूटी दिया, लद्दाख बिल्कुल हमारा पंख लग गया सर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। प्रोफेसर कपिल साहब, आपको बहुत पकड़ है इतिहास पर, जम्मू कश्मीर में आपको याद पता है, ये इन्होंने ये पढ़ेंगे भी हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर में क्या होता था जब 1947 में वहां अनुच्छेद 370 सबसे पहले आया, तो जम्मू कश्मीर में जो वहां का प्रधानमंत्री अलग हुआ करता था, वहां का जो प्रेसिडेंट है उसको सदर रियासत बोलते थे, वो अलग हुआ करता था, लेकिन वो बहुत कम समय तक रहा, और वहां का झंडा अलग था, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, लेकिन अब उतना दम उसमें नहीं रहा था, वो उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा उस उन सरकारों को, धीरे 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 करके वो पूरा जो एक हवा बना था कि अलग देश है अलग, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत कम हो गया था। 1965 में पहली बार जम्मू कश्मीर में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया जिसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर का पद खत्म करके उसको चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया गया, इट इज अ स्टोरी ऑफ 65। और उसके बाद वहां के सदर रियासत को रिप्लेस करके जिस तरह बाकी स्टेट्स में गवर्नर होता है, गवर्नर वहां भी नियुक्त किया गया, और ये भी डिसाइड किया गया कि जितने भी सेंट्रल लॉज थे, सुप्रीम कोर्ट वगैरह जितने भी उसके आदेश थे, उनको भी इंप्लीमेंट किया गया था, और ये एक प्रोसेस चल रही थी, एक अकॉर्ड के जरिए हुआ था। तो उस बीच 1965 में मैं आपसे कपिल जी, डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा कि 1965 में जब ये एक सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था प्रेसिडेंट, और उसको वहां के पावर्स कम किए थे जम्मू कश्मीर के, ऑटोनॉमी के पावर्स, तब युद्ध छुड़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1965 की जंग तो कहते हैं लोग दूसरी बातों पर हुई, लेकिन मेन जो रीजन है जो अमेरिकन रिसर्चर्स ने अपनी किताबों में किया है कि उस वार का रीजन यही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में कम किए थे वहां की ऑटोनॉमी को। तो अभी जब ये हुआ है, आपको क्या लगता है, जो एक तरफ से क्योंकि वो एक कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन ने 2-3 बातें पार्लियामेंट में की उस दिन, जिस दिन अनुच्छेद 370 हटा, उस पर काफ़ी टीज हुआ, मीडिया पे भी हुआ, लोगों में भी हुआ, पॉलिटिशियंस तो करते ही हैं, लेकिन मैं उनकी 2-3 बातों से अभी भी सहमत हूँ। मेरे को लगता है जब से अनुच्छेद 370 हटा है, इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीर ज़्यादा आया है, चीन ने कश्मीर के मसले में टांग अड़ानी पहली बार शुरू कर दी, पहले भी करता था, वो तो फुनसुक साहब को पता है उन्होंने कितनी ज़मीन वहाँ खाई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है उन्होंने आए दिन वो आके
यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन में करते हैं कि कश्मीर 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 पाकिस्तान के साथ साथ, भले ही पाकिस्तान और उनका कोई सांठगांठ हो, आप फ्यूचर कैसे देखते हैं? जो भारत ने ये डिसीजन लिया है, विल बी देयर एनी काइंड ऑफ एन मिस एडवेंचर बाय पाकिस्तान एंड आल्सो व्हाट विल बी द कमिंग डेज, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन 30 years ऑफ अनरेस्ट टेररिज्म इन द कश्मीर वैली. विल द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 चेंज द सिनेरियो इन we say hot summer, the army language, they say it will be the hot summer. What will be the future after March? Because Kashmir is still under tsunami. Ashraf sahab, aapne ek bahut important sawal pucha hai ye. Aur main aapko ek cheez bata du, iska ek line mein jawab hai mere pe, aur baki main phir kuch aur kehna chahunga. Ki jo ye soch rahe hai ki is 370 ka kya asar hoga, Pakistan kya karega, Chin kya karega, wo karega, main unhe ek baat batana chahta hu ki ye ab 2020 है, ये 1947 नहीं है, ये 1962 नहीं है, ये 1965 नहीं है, ये 1971 नहीं है कि 90,000 उनके प्रिजनर्स लेने के बाद भी हम फिर भी कश्मीर नहीं लेते उनसे वापस और उनको उनके प्रिजनर वापस ले देते हैं. अगर आज इनमें से कोई भी जुर्रत करेगा जंग की, तो वो जंग फिर ऐसी जंग होगी. मैं एक चीज बता दूं, और पाकिस्तान जानता है अच्छी तरह, और ये मैं अपने युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर वो इमरान साहब और वो उनके और एक तो कहते हैं कि हम पे वो पटाखे वाले वो एटम बम भी हैं छोटे छोटे. एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और जनरल साहब फौजी हैं, वो शायद इस मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि पाकिस्तान से भारत पे कोई भी हमला होने के लिए, मिसाइल का या एरोप्लेन का या वो, हमको सिर्फ 2.5 मिनट का एडवांस नोटिस चाहिए. और कुछ शहर हमारे ऐसे हैं जैसे पठानकोट है, अमृतसर है, जहां पे 2.5 मिनट का नोटिस नहीं मिलता, लेकिन बाकी सारे शहर हमारे ऐसे हैं जिन पे हमें 3.5 से 4 मिनट का नोटिस मिलता है. तो कोई भी मिसाइल या हवाई जहाज, वो चाहे कितना ही बड़ा एटम बम लेकर के उड़े हिंदुस्तान की तरफ, वो वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, हिंदुस्तान की धरती पे उसे गिरने नहीं दिया. अब पाकिस्तान जानता है इस बात को, नहीं अब तक हवाइया नहीं मार रहा होता कि हमने एटम बम दिवाली पे छोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं और उस पे छोड़ने के लिए नहीं बनाए. और दूसरी बात एक और स्ट्रेटेजिक समझ लीजिए कि पाकिस्तान हमारे लिए एक सिर्फ बॉर्डर प्रोविंस की तरह, अगर मान लीजिए एक आध दिन की लड़ाई में हमारा कुछ हवाई नुकसान भी होता है, तो हम अपने रिजर्व्स मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरला से, हम अपने रिजर्व्स हमेशा आगे ले जाके लड़ सकते हैं. लेकिन जो उस एक दिन में पाकिस्तान का हाल होगा, पाकिस्तान अपने रिजर्व कहां से लाएगा? सीरिया से महंगा आएगा, ISIS वालों से मंगाएगा. इस स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को भी पाकिस्तान जानता है, और इसीलिए उनके प्राइम मिनिस्टर साहब पहले तो केवल अपना वो बैगिंग बॉल लेकर के घूम रहे थे चंदा इकट्ठा करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाने के लिए. अब वो चीन को साथ लेके बार बार जाते हैं कुंडी खटकाने यूएन की, और बार बार यूएन से उन्हें क्या जवाब मिलता है वो परसों भी आपके सामने आ गया. तो इस गलत फहमी में कोई ना रहे, हमें पाकिस्तान से चिंता नहीं है, हमें कश्मीरी आवाम से चिंता नहीं है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं. और मैं कुछ चीज जो आपने इनसे पूछी थी, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं कि तीन प्राइम मिनिस्टर वहां के जो हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए थे, उनको नजरबंद कर रखा है, तीन चीफ मिनिस्टर उनको बंद कर रखा है. एक हफ्ते तक उमर साहब ने मुझे ट्विटर पर बंद करा दिया. कारण, मैंने एक सवाल पूछा था, बहुत ऑनेस्ट सवाल, छोटा सा. मैं कहा, उमर साहब, मैंने जितना भी इतिहास पढ़ा है तो आपके दादाजी जो थे वो स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर थे, अगर आप मुझे नहीं हो तो, प्राइमरी स्कूल टीचर थे. तो आज आपके खानदान पे इतना पैसा कहां से आ गया कि आपने लंदन में भी विला खरीद ली और आपने सिंगापुर में भी विला खरीद ली? ये है 370 का जवाब कि 370 ने क्या किया कश्मीर के अंदर. पर्यटन को लीजिए, टूरिज्म को लीजिए,
मैं मुगल रोड का प्रोजेक्ट बनाने में इन्वॉल्व था 2014-15 के अंदर, पूरा मैंने सर्वे किया, सब कुछ किया, 7 करोड़ रुपया सेंटर से गया था। बाद में पूछा भाई क्या हुआ कि नहीं साहब वो सैलाब आया था, वो सैलाब में कंप्यूटर बह गए। मैं कहा भाई कंप्यूटर बह गए लेकिन प्लान तो मेरे पास भी रखी हुई है, आप इम्प्लीमेंट तो करिए उसको, क्योंकि एक नया तरीका था कि जैसे मुगल कश्मीर जाया करते थे तो वो एक्सपीरियंस एक टूरिस्ट को दिया जाएगा 5-7 किलोमीटर का पूरा वो पीर क्या है पीर की गली उधर से लेके और इधर से लाते हुए लेकर के, लेकिन वो गायब हो गए। एक इनके यहां यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को 2 करोड़ रुपए हमने दिलवाए सेंटर से। मैं टूरिज्म मिनिस्ट्री की कमेटी में था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का डिपार्टमेंट खोलेंगे। 1 साल बाद आदमी इंस्पेक्शन के लिए गया, कुछ था ही नहीं। वाइस चांसलर साहब से पूछा भाई वो क्या हुआ, 2 करोड़ आपको टूरिज्म मिनिस्ट्री ने भेजा था। बोले साहब वो तो पहाड़ी लेवल करने में निकल गए, अब डिपार्टमेंट बनवाना है तो और पैसा भेज दीजिए। जो टूरिज्म मिनिस्ट्री का ड्राइवर वहां पे मेरे साथ था 1 हफ्ते पूरा, जब मैं सर्वे कर रहा था इन एरियाज का टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, उसने कहा साहब मेरे पे 3 छोटे-छोटे मकान हैं। तो मैंने कहा भाई तुम इनको होम स्टे में टूरिज्म में रजिस्टर क्यों नहीं करवा लेते। तो बोलता है 18 जोड़ी सैंडल टूट जाएंगे। तो मेरे लिए नई चीज थी, मैं कहा ये क्या भाई 18 जोड़ी सैंडल टूट जाएंगे। कहता जी मेरे 18 जोड़ी सैंडल घिस जाएंगे दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए, जब तक ये नहीं दूंगा तब तक कोई होम स्टे मिलने वाला नहीं है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक कश्मीर का लीडर दिखा दीजिए जिसने आज तक कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार दूर हो उसकी आवाज उठाई हो, इन तीनों चीफ मिनिस्टर्स में से। लद्दाख के अंदर एक ऐसा मकान नहीं दिखाई देता जिससे बेचारे लद्दाख के लोग 5 दिन में, लद्दाख भी घूम के आया हूं, देख के आया हूं। और इन लोगों के सरकारी उसपे घर बने हुए हैं जिनमें स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जिनमें क्लब भी मौजूद है, जिनमें सब कुछ मौजूद है। चीफ मिनिस्टर जनता के ये कश्मीर की सेवा करने के लिए ये सेवा कर रहे थे ये लोग कश्मीर के अंदर। बात करते हैं कश्मीरियत की, कश्मीरियत खत्म हो गई। मैंने पूरा वो बना के दिया था, किसने की कश्मीरियत खत्म? क्या मुझे कश्मीर में आज संतूर की आवाज सुनाई देती है? क्या संतूर कश्मीरियत नहीं था? क्या कश्मीर में आपके वो दोनों डांस जो लड़कियां इतना खूबसूरत वो करती थी, क्या नाम मैं भूल रहा हूं दोनों के, क्या वो डांस आज कश्मीर में दिखाई देते हैं? क्या कश्मीर के अंदर आज कहीं सूफी संत की पोइट्री सुनाई देती है? कोई सूफी पैगाम वहां पे सुनाई देता है? सूफियों के जो श्राइन है उनको मिलिट्री खड़े होकर के बचा रही है और ये कहते हैं हिंदुस्तान ने कश्मीरियत खत्म कर दी। इन्हें मालूम भी है कि कश्मीरियत क्या थी? कश्मीरियत है क्या? कश्मीर की लैंग्वेज हट करके वहां पे उर्दू लैंग्वेज चलती चली आ रही है, कश्मीर की जबान खत्म की जा रही है और ये कहते हैं कश्मीरियत खत्म कर दी, हम कश्मीरियत खत्म कर रहे हैं। सर 3 महीने तो क्या, 5 महीने तो क्या, जब तक कश्मीर से एक एक आतंकवादी बाहर नहीं हो जाएगा, चाहे उसमें 25 साल तक इनको बंद करके रखना पड़े, इनको बंद करके रखा जाएगा। यह संदेश। और मैं बताऊं आपको एक बात, मेरे अंडर में 5 कश्मीरी बच्चों ने पीएचडी की है। लास्ट अक्टूबर तक में पीएचडी के उनके वायवा हुए हैं। जो वहां का बच्चा पढ़ना लिखना चाहता है, जो आगे जाना चाहता है, वो मजबूर है। और उसकी मजबूरियत का मजबूरी क्या हुई, जो हमसे गलतियां हुई वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या वजह है कि आज उस कश्यप ऋषि के कश्मीर से लेके या ललितादित्य और इनके कश्मीर से लेकर के आज ये स्थिति आई है। 1992 के अंदर मुझे कश्मीर में बुलाया गया एक इंटरव्यू लेने के लिए, यूपीएससी के इंटरव्यूज थे। फोन आया चेयरमैन साहब का, साहब कोई आता नहीं है दिल्ली से, पीक था 92, हमें पता लगा है आप मना नहीं करेंगे। नहीं, मैं कमे आ रहा हूं लेकिन एक शर्त पे आऊंगा कि मैं इंटरव्यू लूंगा कैंडिडेट्स का 10-15 मिनट, उसके बाद में 5 मिनट में कैंडिडेट से कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिसका इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं और उसका उसके इंटरव्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। तो मैंने कैंडिडेट से
जब बात कर रहा था वो कहता है सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। हमने कहा पूछिए। बोले आप कहां रहते हैं दिल्ली में? मैं कहा मैं खेलगांव में रहता हूं। बोला अगर आपके घर पे दो जने आए और आपके बीवी बच्चे के सिर पे बंदूक रख के आपसे कहें कि आप ये बम कनॉट प्लेस में रख के आइए तो आप क्या करेंगे? ये था कश्मीर का असली डायलमा अर्ली 90s में और लेट 80s के अंदर, जिस डायलमा को हमारे उस समय के हुक्मरान जो थे उन्होंने कभी समझा नहीं, क्योंकि जनता जो होती है वो जनता बनती रही। वही कश्मीरी वो भी था जो पाकिस्तान के खिलाफ उसके खड़ा हुआ था 47 के अंदर मुगल शेरवानी लेकर के, और जो 89 में किया गया पूरा CRPF जिंदाबाद के नारे लगे थे 87 के इलेक्शन के अंदर। मैंने RAF को ट्रेन किया है और RAF के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि वहां पे CRPF जिंदाबाद के नारे लगते थे श्रीनगर में, क्योंकि हमने सबकी मीटिंग होने दी। ये फारूक अब्दुल्ला वाले साहब वाले जो शेख अब्दुल्ला साहब वाली पार्टी है ये ऑपोजिशन की मीटिंग तक नहीं होने देते थे, और MUF के 20 कैंडिडेट वहां पे जीत रहे थे। अरे जीतने देते उनको, तुम्हारी 70-72 की असेंबली है, उनको पिटवा के बाहर निकलवा के काउंटिंग स्टेशन से और पूरे इलेक्शन को रिक किया। और ये फारूक अब्दुल्ला को और शेख अब्दुल्ला एक डेमोक्रेसी की इल्ला बचा रहे। ये डेमोक्रेसी थी इनकी जो 87 के अंदर की थी, जिसके वजह से कश्मीर के अंदर आतंकवाद पैदा हुआ। कोई इतिहास के तौर पे मुझे गलत साबित कर दे। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि समस्या हुई क्यों, समस्या बनाया क्यों गया। मैं आज भी ये मानता हूं समस्या कश्मीर कोई समस्या नहीं है, कश्मीर इज नो इशू, इशू इज पाकिस्तान, इशू इज अवर ओन पॉलिटिशियंस जो रोज बकवास करते हैं कश्मीर के ऊपर। हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। वो कल भी वो नक्सलाइट लड़की बोल रही है खड़ी होकर के आजादी चाहिए। अरे तुझे आजादी का मतलब भी मालूम है? आज जो तुम यहां चिल्ला रहे हो आजादी चाहिए, ये आजादी तुम्हारी चिल्लाने की वजह से नहीं मिली हुई है। हमारे देश को आजादी इस बात से मिली हुई है कि आज हमारा जवान 20-22 हजार फुट की पहाड़ियों पे खड़ा होकर हमारे संविधान की, हमारे प्रजातंत्र की, हमारे गणतंत्र की, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। जो 50 लोगों के JNU में चिल्लाने से आजादी नहीं बची हुई है, बल्कि इनको ये चिल्लाने की जो आजादी मिली हुई है वो मिली इसलिए हुई है कि हमारा जवान हमारे संविधान और हमारे देश को और हमारे प्रजातंत्र को बचाता है, खड़े होकर के बचाता है। जिस जवान को ये रोज गाली निकालते हैं, जिस जवान की शहादत पे ये नहीं जा सकते, लेकिन जहां इन्हें राजनीतिक रोटी सीखनी है वहां ये फौरन पहुंच के पहुंच जाएंगे, 5,000 रुपए भी लेकर के पहुंच जाएंगे, घोष लेके पहुंच जाएंगे। लोग कहते 47 में ये गलती हुई, ब्लंडर हुई, ये हुई। कोई ब्लंडर नहीं थी, एक एक चीज डॉक्यूमेंट है। लियोनल कार्टर के 6 वॉल्यूम आए हैं अभी, जिनके अंदर सारी ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इनकी जो आपस की कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सारी चीज बाहर आ गई है। हजूर शेख साहब खाली ये नहीं कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान से बचाओ, शेख साहब वो सिकंदर इस्माइल था कौन था उससे भी लगातार बात कर रहे थे, ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते हैं। शेख साहब पाकिस्तानियों से भी बात कर रहे थे, शेख साहब अंग्रेजों से भी बात कर रहे थे, तीनों तरफ अपने गुटके खोल रखे थे इन्होंने। नेहरू साहब 2-3 जगह नेहरू ने किया। मास्टर तारा सिंह से पंजाब में नेहरू की नहीं बनती थी। बंगाल के अंदर शरद सरकार, ये अपना शरद बोस चाहे सुभाष बोस रहे हो और चाहे वो आपका प्रजा कृषक पार्टी रही हो, इनसे नेहरू की नहीं बनती थी। शेख अब्दुल्ला साहब से बहुत बनती थी। तो पंजाब का बंटवारा करवा दिया 2.5% के ऊपर, बंगाल पूरा देने को तैयार थे। तो अगर वहां पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय वो नहीं बनाया होता नक्शा और दिया होता तो मुस्लिम लीग ने कलकत्ता तक मांग लिया था, लोग बाग कॉरिडोर तक देने को तैयार थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इधर कश्मीर में क्यों स्थिति हुई, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं जो आज तक हमारी किसी किताब के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। बंटवारा होते ही, मैं तो बंटवारा शब्द इस्तेमाल करता हूं, मैं आजादी शब्द इस्तेमाल नहीं करता। बंटवारा होते ही जो अंग्रेजी भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ थी वो पाकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ बन गई,
और मत भूलिए कि बादशाह गफ्फार खान जैसा राष्ट्रवादी जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था। उसने ये तक कहा था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान बन सकता है तो वेस्ट इंडिया भी बन सकता है। हमको पाकिस्तान के साथ नहीं जाना, या तो हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या हमें आजाद कर दो। और तब कांग्रेस ने उनको धोखा दिया था कि नहीं जाइए, अब पाकिस्तान एक रियलिटी है, जिन्ना का साथ दीजिए। और उस आदमी ने और उसके बच्चे वली खान ने पाकिस्तान की जेलों के अंदर अपनी जिंदगी काट दी। मैं ये इसलिए इन बातों को दोहरा रहा हूं कि आज के युवा को यह भी बहुत जानना जरूरी है कि इस देश के मुसलमानों ने भी इस देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन अफसोस ये है कि अजीमुल्ला से लेकर अशफाक उल्ला खान और बादशाह गफ्फार खान के नाम मदरसों में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वहां सिर्फ लियाकत अली पढ़ाए जाते हैं या जिन्ना पढ़ाए जाते हैं। ये अफसोस है इस बात का। उस समय यह हुआ, फिर उन्होंने पख्तूनिस्तान की डिमांड कर दी कि आजाद पख्तूनिस्तान होना चाहिए। आजाद पठानिस्तान की डिमांड हो गई, उधर बलोचिस्तान मौजूद था। और उस समय की अफगान सरकार ने पठानिस्तान की डिमांड को सपोर्ट दे दी। तो जिन्ना साहब की और लियाकत अली साहब की हालत खराब हो गई कि इधर यह हो रहा है, उधर हैदराबाद हो चुका है, उस तरफ जूनागढ़ हो चुका है, और अगर इधर से ये फोर्सेस आ गए, इधर से ये फोर्सेस आ गए, तो पाकिस्तान का वजूद का क्या होगा। नजरें उसकी थी कश्मीर पे, लेकिन कैसे डाइवर्ट किया जाए। तब कबाइलियों में बीच में जाकर के ये कॉल दी गई जिहाद की कि इस्लाम खतरे में है, कि कश्मीर के अंदर एक हिंदू राजा है जो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, और पार्टीशन के अंदर पंजाब में मुसलमानों पर अत्याचार सारे पटियाला के राजा ने कराए, तो हमें कश्मीर श्रीनगर जीतते हुए पटियाला जीतते हुए सारे हिस्सों को पाकिस्तान में लेना है। और ये करा के 100,000 कबाइली जो है वो रावलपिंडी में लाके इकट्ठे किए गए, स्पेशल ट्रेन चला करके, स्पेशल बसेस चला करके, और उसके बाद उनको डाला इस तरफ। ये सरासर झूठ है कि वो कबाइली हमला था। कबाइली ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी के तमाम अफसरों को कागज पे ये दिखा करके कि वो छुट्टी गए हुए हैं, सारा रिकॉर्ड बोल रहा है, वो लीड कर रहे थे इन कबाइलियों को। और पाकिस्तानी ही नहीं थे, अंग्रेजी अफसर लीड कर रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड को ये बड़ी चिंता थी कि भाई तुमने हैदराबाद ले लिया, तुमने जूनागढ़ ले लिया, कश्मीर जो है तुम पाकिस्तान को दे दो। लगातार डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है। और जब पहला हमला होता है, पहले हमले के टाइम पे कैबिनेट मीटिंग के अंदर सरदार पटेल कहते हैं कि इन कबाइलियों के इंस्टॉलेशंस को हमें तुरंत बम्बार्ड करके खत्म कर देना चाहिए, और नेहरू इन्हें ओवर रूल कर देते हैं। मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से एक्सेशन डॉक्यूमेंट यहां साइन होके आया, और उसके बाद में भी नेहरू कहते थे नहीं मैं यूएन जाऊंगा। जब पटेल ने कहा कि मिस्टर नेहरू डू यू वॉन्ट टू लूज कश्मीर, सी जनरल मानेकशॉ'स बुक, तब उसने यू देखा तो पटेल ने कहा नो, हियर आर योर ऑर्डर्स, सेंड द आर्मी टू, लेट द आर्मी फ्लाई। उसके बाद में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर किसने मनवाया, मुझे कोई जवाब देगा कि उसे पाकिस्तानियों ने मनाया, अंग्रेजों ने मनवाया, किसने मनवाया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जवाहरलाल नेहरू ने मनवाया। और कैसे बनवाया? जनरल साहब साथ बैठे हैं, एविडेंस देंगे। इंडियन आर्मी जीत रही थी, उन कबाइलियों सो कॉल्ड कबाइलियों को खदेड़ रही थी, और इंडियन आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर को यह सलाह दी कि जब तक हम इनको पूरे कश्मीर से बाहर नहीं खदेड़ देते तब तक सीज फायर नहीं करना। लेकिन माउंट बैटन्स का प्रभाव कैसे आप हटा सकते थे? आफ्टर ऑल भारत एक ऐसा देश था जो आजाद होने के बाद में भी गुलाम बना हुआ था। पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान ने किसी अंग्रेज को अपना गवर्नर जनरल नहीं बनाया। हमारी सरकार ने उसी माउंट बैटन को, जिसने भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा था, उसको अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया, और उनकी राय बहुत मायने रखती थी, तो सीज फायर कर दी गई। यूएन, एक तरफ आप कह रहे हो कबाइलियों ने हमला किया है, भैया कबाइली तो कोई देश नहीं है,
तो यूएन तो देशों के बीच के झगड़े का फैसला करेगी ना फिर, तो फिर आप यूएन के अंदर क्यों ले गए नेहरू जी इस इशू को? तो कबाइलियों का झगड़ा था। तो ये सब तमाशे, और उसके बाद में वो जले पे नमक छिड़कना, ऊपर से आर्टिकल 370 थोकना। अरे भाई, जब सब राष्ट्रों का विलय हुआ है भारत के अंदर, तो सब राष्ट्रों के लिए एक सा कानून क्यों नहीं बनेगा, एक संविधान क्यों नहीं होगा? कश्मीर का अलग होगा, नागालैंड का अलग होगा, वहां का अलग होगा, इस चीज को लेकर। और 35A में लास्ट बात कह के छोड़ रहा हूं इस बात को, क्योंकि आज ये बात बड़ी उठाई जाती है। 57 कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक होती है, और सादिक अली शायद चीफ मिनिस्टर है, मीर सादिक वो नेहरू को लिखते हैं, भाई हमें बचाओ, मदद करो। तो गुरदासपुर से 200 वाल्मीकि परिवारों को कश्मीर श्रीनगर भेजा जाता है, ये कह के कि इनको यहां की सिटीजनशिप दे दी जाएगी, सब दे दी जाएगी, और उन्हें उर्दू में पट्टे पकड़ा दिए जाते हैं। और मालूम है इन पट्टों में क्या लिखा हुआ है? कि इनकी आने वाली पुश्तें यही काम करेंगी। ये था सत्कार दलित के लिए नेहरू सरकार का, और ये था सत्कार दलित के लिए कश्मीर के उस चीफ मिनिस्टर का, और जो लोग 370 का वो करने वाले थे। आज 4000 से ज्यादा वो परिवार हो चुके हैं, लेकिन वो सफाई करने के अलावा और कोई काम कश्मीर के अंदर कोई और नौकरी नहीं कर सकते थे, जो अब जाकर के 370 और ये खत्म होने के बाद से उनको मिलेगी। तो बहुत सी हकीकतें हैं कश्मीर की। और एक लाइन लास्ट में और कह दे रहा हूं, जिस चीज पे कश्मीर की इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, टूरिज्म, ये जो ऊंचे ऊंचे बलाई खाने वाले थे कश्मीर के अंदर, इन्होंने टूरिज्म को सिर्फ पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर तक का बना के रख दिया। इन्होंने रूरल टूरिज्म प्रमोट नहीं किया। कश्मीर का हर गांव इतना खूबसूरत है कि वो स्विट्जरलैंड जैसा हर जगह को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी मोनोपोली बनाने के लिए आम जनता तक पैसा ना पहुंचे, आम जनता का उद्धार ना हो, क्योंकि आम जनता उद्धार हो गया, सीख गई, तो इनकी हुकूमतें कहां से चलेगी। और आज मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि ये नजरबंद हुए, रो रहे हैं सिर्फ ट्विटर के ऊपर, उनकी बेटी भी रोती है मुफ्ती की और वो रोती है, लेकिन आज कश्मीर का युवा उठ के खड़ा हुआ है, कश्मीर में नई राजनीतिक लीडरशिप निकल करके सामने आ रही है, और एक नया कश्मीर जो है आगे बनने जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर जमाई साहब, आपने काफी इंतजार किया क्योंकि आपको सब के आखिर में हमने इसलिए बोलने के लिए रखा। आप मुझे बताइए, इस वक्त जिस अंदाज से पिछले, खास तौर से जब से मोदी सरकार बनी है देश में, तब से एक तबका देश का जो सबसे बड़ा तबका है, मुसलमान तबका, बड़ा नाराज दिख रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जब जम्मू कश्मीर का विलय भी देश के साथ हुआ था, तो देश का मुसलमान ये मान रहा था कि एक मेजॉरिटी स्टेट जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो देश के साथ रहने में कम से कम जो सेक्युलर कंट्री के कंसेप्ट है उसको एक फोकियत मिलती है कि यहाँ पर इस देश में एक ऐसा स्टेट भी है जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग भी रहते हैं। और शेख अब्दुल्ला ने भी ये बात कहा था कि, और देश के मुसलमान भी कहते थे, जो 370 हटा है उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को अब खासतौर से मुस्लिम समाज को भी देश में लगने लगा है कि अब उनकी बारी है, अब 370 हटा है, अब उनके खिलाफ इस तरह से जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं CAA NRC इन बातों को लेकर है। आप एक नौजवान हैं, आप किस तरह से देखते हैं 370 का हटना, और क्या आपको लगता है कि देश के लिए फायदेमंद होगा या घाटे का सौदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया। नागपुर वालों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? अच्छी बात है, प्रोज में जो है वो हमारे बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, आप जुड़ेंगे तो कारवां बन जाएगा, मैं अभी अकेला ही चल रहा हूँ कॉन्स में। देखिए, मैं दिल्ली का हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी आप लोग काफ़ी सुनते रहते हैं मीडिया में, आजकल बड़ी चर्चा है उसकी, वहीं से ताल्लुक रखता हूँ। किसी ने, मैंने सोचा कि सरकार से बात की जाए, ढूंढता रहा कि सरकार से अपनी बातें बताई जाए,
کشمیری عوام کے حق کی جو باتیں بتائی جائے ڈھونڈتا رہا نہیں ملے. اتفاق سے ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں, نام نہیں لینا چاہوں گا ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے کہا ارے صاحب آپ دلی میں کہاں سرکار کو ڈھونڈ رہے ہیں, سرکار سے ملنا ہے تو ناگپور چلے جائیے. دیکھیے میں ناگپور آ گیا. دیکھیے مجھے اصل میں سنترے مجھے بہت پسند ہیں, نارنگی آپ کو بھی پسند ہوگا ناگپور. اچھا سنترے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سنترے کی جو چھلکا ہوتا ہے نا پیل, آپ نے چھلکا, وہ چھلکا ہمیں زیادہ بہت اٹریکٹیو لگتا ہے کیونکہ اس کو جب آپ ایسے نچوڑتے ہیں اور آنکھوں میں مارا جاتا ہے بچوں میں کتنا تیز لگتا ہے. اچھا ہماری باتیں تیز لگیں گی, تھوڑا سا تیکھی لگیں گی, لیکن کچھ مجھے سنتروں سے بڑی محبت. نہیں دیکھیے میں کشمیر کی بات ضرور کروں گا لیکن چونکہ ناگپور کے شہر آیا ہوں اور آپ کا شہر مجھے بہت پیارا ہے اور ناگپور آیا ہوں تو ہمارے آر ایس ایس کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. ابھی اشرف وانی صاحب جس چینل سے تعلق رکھتے ہیں اسی کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, 3 جنوری کی وہ خبر ہے جس میں آر ایس ایس کے سہ کارواہک سیکنڈ لائن میں بالکل موہن بھاگوت جی کے جسٹ اس کے بعد ہے, جیسے مودی جی اور امیت شاہ کی جوڑی ہے نا کیندر میں اسی طریقے سے موہن بھاگوت جی اور کرشن گوپال جی کی جوڑی سیکنڈ لائن. تو کرشن گوپال جی نے یہ کہا کہ سوال کرنا, سنیے گا غور سے, کہ سوال کرنا اور اسہمتی ظاہر کرنے کی آزادی ہی ہندوتو ہے. سوال کرنا اور اسہمتی ظاہر کرنے کی آزادی, آزادی بات آزادی, اس سے گھبرائیے گا نہیں, نعرے بہت لگ رہے ہیں, کہ سوال کرنا اور اسہمتی ظاہر کرنے کی آزادی ہی جو ہے ہندوتو ہے. اور میں چاہوں گا کہ میری جو ہندوتو والی جو وچار دھارا ہوگی اس میں کوئی روڑا نہ بنے. دیکھیے کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کشمیر کے لیے آرٹیکل 370 کی ڈیمانڈ جو ہے کسی کشمیری نیتا نے یا کسی کشمیری مسلم عوام نے نہیں کی تھی بلکہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کی تھی. مہاراجہ ہری سنگھ نے جواہر لال نہرو سے یہ کہا تھا بلکہ پیکٹ ہوا تھا کہ آپ ہماری عوام کے لیے آرٹیکل 370 دیجئے, ایک اسپیشل پروویژن دیجئے کیونکہ ہمیں ڈر ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ یہاں کی کشمیریت پہ جو ہے وہ حملہ ہوگا. تو یہ مہاراجہ ہری سنگھ کی ڈیمانڈ تھی اور نہرو کی جو کیبنیٹ تھی اس نے اس کو منظور کیا, کنسٹیچوئنٹ اسمبلی میں بھیجا گیا اور کنسٹیچوئنٹ اسمبلی جو اس وقت ہندوستان کی سمویدھان کو ڈرافٹ کر رہی تھی, بیسک اسٹرکچر تھی سمویدھان کی, اس کو ڈرافٹ کرتے وقت آرٹیکل 370 کو انسرٹ کیا گیا, اگر میں صحیح ہوں تو بیسک اسٹرکچر تھی. اس میں بہت سارے پروویژن ہیں آرٹیکل 370 میں, آپ اس کو پڑھیں گے 35A ہے, وہ تمام ساری چیزیں جو آ رہی ہیں. تو جو بیسک اسٹرکچر ہے, ایک تو سوایتا, دوسری وہاں پہ پراپرٹیز کو خریدنے کا جو انسائیڈر, جس کے بارے میں ابھی فنسوک جی نے بھی کہا کہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں ان کا سیف گارڈ ہو پراپرٹیز کے معاملے میں, کہ پراپرٹیز ان کی جو ہے دوسری جگہ نہ جائے. تو نوکریاں ہیں, دیکھیے تو جب نہرو کی جب وہ کیبنیٹ تھی, اچھا اس کیبنیٹ میں جو ڈیسیزن لیا گیا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کیبنیٹ میں سردار پٹیل بھی تھے, اس کیبنیٹ میں سردار پٹیل بھی تھے جس کا مودی جی کافی انوسرن کرتے ہیں, ہم بھی انوسرن کرتے ہیں, لو پروش مانے جاتے ہیں. آج سرکار جو ہے ان کے بارے میں کئی ساری باتیں کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کیبنیٹ میں اس وقت کے بڑے سنگھ کے نیتا اور مطلب بڑے نیتا مانے جاتے تھے آر ایس ایس کے, شیاما پرساد مکھرجی بھی موجود تھے اس کیبنیٹ. تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ڈیسیزن کیسے لیا گیا تھا. 1973 کا جو کیسوانند بھارتی کیس ہے, میں کیوں مانتا ہوں کہ آرٹیکل 370 ہٹانا اور جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل انلیگلٹی ہے. دیکھیے ابھی رائسونی گروپ کی لا کی بھی کالج ہے, یہاں لا کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے, جانتے ہوں گے کہ کانسٹیٹیوشنل انلیگلٹی کیا ہوتی ہے.
आप सब बैठे हैं, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हम संविधान से चलने वाले हैं। ये देश अराजकता से नहीं चलता है, ये देश जो है ब्रूट फोर्सेस से नहीं चलता है। और हम तो जामिया वाले हैं, जामिया के तहजीब है प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। नागपुर वाले भी प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, मैं जानता हूं। ये देखिए कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि चाहे कोई भी सरकार आए, वो अमेंडमेंट्स तो कर सकती है, रूल्स में थोड़े चेंजेस ला सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। और जब अमित शाह जी लोकसभा में राज्यसभा में इस चीज को समझा रहे थे आर्टिकल 370 के हटाने की बात, ये आपको मालूम होना चाहिए, एबॉलिश तो नहीं हुआ, एब्रोगेट हुआ है, यानी कि स्क्रैप नहीं हुआ लेकिन एब्रोगेट हुआ। तो ये जब समझा रहे थे उसमें सब क्लॉज सेक्शन सी में जो बातें उन्होंने कही है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के उस रूलिंग के खिलाफ है जो केशवानंद भारती केस में 1973 में आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगलिटी की बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरी आवाम की बात करते हैं, तो हमें एक हिंदुस्तानी के नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये बताओ कि कश्मीर को आप हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हो ना, तो कश्मीरी भी हिंदुस्तानी हुए कि नहीं हुए? तो हम कश्मीरियों से हिंदुस्तानी की बात हिंदुस्तानी की तरह ट्रीट करेंगे या पाकिस्तानी की तरह? हिंदुस्तानी की तरह। तो ये बताओ कि कल को आप भी एक हिंदुस्तानी है, कश्मीरी भी हिंदुस्तानी है, कल को आपके सामने कोई आपको इस तरीके से ट्रीट करे कि आप एक फॉरेनर्स हैं, तो आपको बुरा लगेगा? लगेगा ना, चाहे सरकार करे या कोई भी करे। तो हमें तो सबसे पहले देखना है कि कश्मीरी को हम एज ए हिंदुस्तानी ट्रीट करें, जिस तरह दूसरे शहर के तमाम लोग जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हुकूक हैं, और जिस तरीके से हमारी मोहब्बत और खुलूस उनके साथ है, ठीक वही हिंदुस्तानी जो कश्मीर में बसते हैं उनके लिए भी हमारा वही नजरिया होना चाहिए। क्या फुनसुख साहब, देखिए आपके ट्रेनर हैं, इन्होंने आपको ट्रेनिंग दी है, अगली बार जब ये आएंगे तो इसकी भी ट्रेनिंग देंगे आपको जरूर है? तो देखिए अब सवाल ये उठता है कि आज के हालात में हम कश्मीर के जब बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जनक है और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, उसके बीज बोए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई थी तो मुझे उनके घर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला था, और मैं गया था पूरी अपनी टीम के साथ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का चरित्र था, इतने महान व्यक्ति थे, जो उनकी बातें थी, कश्मीर को लेकर जो उनका स्टैंड था उसको समझना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में तब के चीफ मिनिस्टर को यह कहा था कि जनाब आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए, राजधर्म का पालन करना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया था किसी भी सरकार ने, मैं कांग्रेस को भी इसमें घेरता हूं, मैं कांग्रेस के ऊपर भी ये इल्जाम लगाता हूं कि आपने कश्मीरियों को एलिनिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1987 में जो इलेक्शन को रिग किया गया उसके बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ था वही इंसर्जेंसी की सबसे बड़ी कारण थी, राइट है? वही इंसर्जेंसी की सबसे बड़ी कारण थी। और किसी नेता ने कश्मीर के हवाले से इतनी बड़ी बात नहीं कही थी जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, और वो नारा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। ताली बजाइए इसके लिए, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आज हम इस तीन पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी अपनी बात रखे चाहेंगे और इसी के इर्द गिर्द मेरी जो आगे की गुफ्तगू गुजरेगी। वानी साहब थोड़ी इजाजत है कुछ? बिल्कुल। देखिए मैं तीन बातों को आपके सामने बात करूंगा। हम जब कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीरी एक एसेंस है, कश्मीरी जिस बात के लिए बंधे हुए थे, 370 उनके लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि उन्हीं के राजा हरि सिंह ने जो है वो उनको वादा दिलाया था, राइट। दूसरी बात यह है कि हम कश्मीरी एसेंस की बात करते हैं, आप कश्मीरी जमहूरियत की बात क्यों नहीं करते, कश्मीरी डेमोक्रेसी की बात क्यों नहीं करते? आपको मालूम होना चाहिए कि कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, कश्मीर में एक डेमोक्रेसी एक हिस्सा था जिसमें इलेक्शंस होते थे।
थोड़े ही तादाद में लोग वोट देने जाते थे, लेकिन वोट एक इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम से लोग वहां जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान के संविधान पे उनको यकीन था, हिंदुस्तान के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उससे अपने आपको वो जुड़ा हुआ महसूस करते थे। वहां पे भारतीय जनता पार्टी, इसी महबूबा मुफ्ती जिसको आप कोसते हैं, गाली देते हैं आज, इसी महबूबा मुफ्ती के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां पे। और आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत ही करीबी मित्र है सईद मुफ्ती साहब, उनकी भी सरकार रही वहां पे, जिनकी बेटी है महबूबा मुफ्ती। अब जो सरकारें वहां चल रही थी, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा था। मुझे ये बताइए कि आपके नजर से डेमोक्रेसी अच्छी है या ऑटोक्रेसी? डेमोक्रेसी इजंट इट, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ही जो है पीस प्रोसेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। डेमोक्रेसी ही जो है आवाम की, जनता की, कश्मीरियों की जो है दिल जीतने का, उनकी उनके विश्वास को जीतने का सबसे बड़ा रास्ता था। जिन नेताओं ने हिंदुस्तान, भारत और कश्मीर के बीच में ब्रिज का काम किया, ऐसा लोगों को जोड़े रखा कि ताकि वो कभी एलिनिएट उसको महसूस ना करे, आज आप उन्हीं नेताओं को पिछले 100 दिनों से जेल में बंद करके रखे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने ओपन मंच से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से जय श्री राम के नारे लगाए थे, भारत माता की जय कहा करते थे। आपने भारत माता की जय कहने वाले कश्मीरी नेताओं को भी जेल में डाल दिया। भारत माता की जय कहने वाले कश्मीरी नेताओं को भी जेल में डाल दिया। और आप यकीन करते हैं कि कश्मीरी अब आपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे? वो तो एलिनिएटेड महसूस करेंगे। जो हालात जो हैं, जो हालात पॉलिटिकल प्रिजनर्स अब जो वहां पे बने हैं, एक एमपी को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसके बारे में कई बार आवाज उठी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप इतने दिनों तक बंद रखे हैं, नजर बंद रखे हैं। अभी दो पार्लियामेंट सेशन हुए हैं, एक बार भी उनकी हाजिरी नहीं हो पाई, उनको नजरबंद करके रखा गया। ये हकीकत है। अमित शाह जी ने कहा था कि हमने उसको कैद करके नहीं रखा, लेकिन ये गलत बात है, मीडिया रिपोर्ट्स में आई। अब क्या होता है कि देखिए, आर्टिकल 370 का जो हटाने का जो फैसला था, मैं जानता हूं कि कैबिनेट का फैसला था, उसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसकी और विस्तारपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो हालात हैं कश्मीर में, आर्टिकल 370 के बाद जो परेशानियां शुरुआत हो रही है, इसको आपको देखना पड़ेगा। आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, ह्यूमन राइट्स पर बिलीव रखते हैं, इंसानियत पर बिलीव रखते हैं, क्योंकि आप ही इस देश के फ्यूचर है, समझेंगे, आपकी पॉलिटिकल कॉन्साइंस आगे बढ़ेगी। मुझे ये बताइए कि ये कहाँ की इंसानियत है कि आपने पिछले 3 महीने से ज़्यादा एक पूरे स्टेट को लॉकडाउन करके रखा है। एक एक कश्मीरी जो आवाम है उसके ऊपर 5-5 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, जो उसकी प्रोपोर्शन है। आपने कहा कि कश्मीर में सब कुछ ठीक हो रहा है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज हमारी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, बैंक्स के सर्विसेज हैं, आप सब एग्जाम देते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या ऑफलाइन? ऑनलाइन करते हैं। डिजिटल इंडिया पे यकीन रखते हैं ना? रखते हैं डिजिटल इंडिया पे यकीन? हम सब रखते हैं। डिजिटल इंडिया के बगैर तो कुछ काम नहीं चलेगा, हर चीज डिजिटलाइज्ड है। मुझे ये बताइए, एक सिनेरियो मैं आपको देता हूं, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरे नागपुर का इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्या होगा? रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस चल जाएगा क्या? देखिए, ना की भी आवाज आ रही है, हां की भी आवाज आ रही है, दोनों वॉइसेस है। जुमा साहब चलिए वाइंड कर दीजिए। देखिए, असल में क्या है, ये हमारे संस्कार नहीं है, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। सुनिए, संस्कार मेरे भी बहुत असभ्य है, लेकिन एक बात बताइए मुझे, वहां का इंटरनेट काट जाना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है?
और जेएनयू के अंदर सर्वर को जाके काटे जा रहा वो ह्यूमन राइट्स है, उसको कंडेम करेंगे ये सर, उसको कंडेम करेंगे ये। कपिल साहब बैठे, ये कोई टीवी डिबेट नहीं है, दरअसल ये एक यूथ पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट की खासियत ये होती है जहां पर हर एक मतलब अपनी अपनी राय रखने की खुली आजादी है। स्टूडेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जो आए हैं, मैं इसको आप क्योंकि काफी टाइम डॉक्टर साहब हो गया टाइम, आपकी बात पहुंच गई पूरी तरह से जो भी आप कहना चाहते थे, लेकिन 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 मैं आपकी बात को कंक्लूड करूंगा। ये नहीं अशरफ वानी साहब, मुझे एक मिनट तो दीजिए कंक्लूड करने के लिए। देखिए आप मेरे हिंदुत्व में रोड़ा मत बनिए, देखिए मुझे आज़ादी होनी चाहिए सवाल पूछने की भी और असहमति जाहिर करने की, क्योंकि आरएसएस ने कहा है तो मुझे मानना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं। अरे भाई मैं बात ना मानूं और आपके शहर आए हूं, ऐसा हो नहीं सकता। कंक्लूड कर लीजिए। देखिए इकोनॉमिक लॉस को आपको समझना पड़ेगा, जब से आर्टिकल 370 हती है $2.4 बिलियन के लॉस हो गए, एक भी दुकानें नहीं खुलती है, लोगों के पेट पे लात पड़ी है, पूरी बिजनेसेस तबाह हो गई है, जितनी भी सर्विसेज डिजिटलाइज्ड फॉर्म में थी सारी की सारी ठप पड़ी है, कश्मीरी आवाम की लॉस, 300 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं और महिलाएं हैं जिनकी आंखें चली गई है, आप सोच सकते हैं पैलेट गन से उनकी आंखें चली गई हैं। ये क्यों हो रहा है? स्कूल जाते बच्चे, आप सब भी स्कूल से आए होंगे, स्कूल से पढ़ के आए यहाँ पे, स्कूल जाते हुए बच्चों की आंखें चली गई। मैं ये कहता हूं कि आप चीजें जब करना है एक प्रोसेस होती है, मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नजरिया था कश्मीर को लेकर, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, आप अगर उसको बिलीव करते हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज का आपका रवैया है कश्मीरी को लेकर, क्योंकि जब आप कश्मीरी को एक फॉरेनर एंटिटी मानते हैं, कश्मीरी को आप एज ए पाकिस्तानी एंटिटी मानते हैं, अपना दुश्मन मानते हैं, तो फिर किस हिसाब से आप जो है अपनी कश्मीरी को बात मान, कश्मीरी को हमको अपना हिंदुस्तानी मानना पड़ेगा, उसको गले लगाना पड़ेगा, उसको साथ लेना पड़ेगा, उसको सामने लाना पड़ेगा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतंत्र के बजाय, लोकतंत्र के बगैर आप पीस प्रोसेस नहीं ला सकते। यूनियन टेरिटरीज लोकतंत्र नहीं है, ऑटोक्रेसी का सिंबल है, जो लोग भी हमारी इस बात से यकीन मानते होंगे डेमोक्रेसी पे, उसको मालूम होना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स द प्रोसेस ऑफ ऑटोक्रेसी, और हिंदुस्तान में ऑटोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। बिना डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आप पीस प्रोसेस नहीं ला सकते, यकीन मानिए कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, कश्मीरी भी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कंक्लूड करने से पहले क्योंकि काफी टाइम हुआ, जनरल साहब 2 मिनट में आप इसको वाइंड अप कर लीजिए अपनी आखिरी बात को, आप कह रहे थे कि मैंने 5 लोगों की बातें सुनी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ 2 मिनट में। मेरी आत्मा मेरे को माफ नहीं करेगी अगर मैं 2 मिनट के लिए अभी नहीं बोलूंगा तो। मेरे को ऐसा लगता है कि एक सिलेक्टिव रेफरेंस लेकर एक ऐसा एजेंडा या एक ऐसा बायस जो देश की वननेस के बरखिलाफ हो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ये आज बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत डेमोक्रेसी में विश्वास रखता है। अगर आपने मुगल के टाइम के अंदर में, ब्रिटिश के टाइम में यह बोला होता तो अभी तक गर्दन अलग हो जानी थी। दूसरी बात यह है, आप हैं भारत का भविष्य, आपके दिमाग के जो केंद्र बिंदु है उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हर एक चीज में नेशन फर्स्ट, कर्मों परम धर्म, वो डेमोक्रेसी जो है वो संविधान का हिस्सा है। नहीं नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी राइट है, किसी सरकार ने नहीं दिया है, नहीं नहीं किसी सरकार ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं दिया, वो हमारी संविधान का हिस्सा है और हमें फक्र है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पर। आप और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 इंसर्ट किया था। अरे जब आप संविधान की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आर्टिकल 370 बनाया था। साथ में नहीं है देश के साथ में नहीं जाओ, आप अपने साथ भी नहीं है बिल्कुल। अरे जनाब फौज के साथ तो हमारा सलाम है, आपको मैं फौज के याद करना साहब, ये जो टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी, एक मिनट अशरफ वानी साहब, जल साहब, मैं जल साहब,
टॉपिक हमारा थोड़ा डिफरेंट है। मैं एक 30 सेकंड आपका लूंगा। कश्मीर का एक कश्मीर के देखिए एक कश्मीर है उमर फैयाज। उमर अरे आरएसएस तो हमें बड़ी मोहब्बत है सर। इन्होंने आते ही जो अपना भाषण शुरू किया बता क्या कहकर शुरू किया था कि मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता था। मुझसे किसी पत्रकार ने कहा कि नहीं सरकार को बचानी है तो नाक मुड़ जाओ। इसका मतलब ये दिल्ली में बैठी हुई डेमोक्रेटिक सरकार पे इनका विश्वास नहीं है। जो चीज पार्लियामेंट पास करती है उनका विश्वास नहीं है। बसों में आगे लगना है शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है। सारे देश में आग लगवा रखी है। बहुत बहुत मैं आप सभी छात्रों को हम इस सेशन को उमर फैयाज कुछ स्टूडेंट्स को भी बोलना है प्लीज। उससे पहले हम स्टूडेंट स्पीकर को बुला लेते हैं। स्टूडेंट स्पीकर सबसे पहली है श्रेया मिश्रा। देखते ही देखते गवाया गया वंग और वक्त था अताया तो मिलाया भी गया नहीं। 125,000 शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची में झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। और रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंध किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। सम्मानित मंच को नमन। अध्यक्ष महोदय सदन में उपस्थित सभी मान्यवर एवं आज के जागरूक श्रोतागण को मेरा यानी श्रेया मिश्रा का शत शत नमस्कार। आज इस लगन युक्ति देश हित ने मुझे सदन की राय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने एवं सच्चे राष्ट्रभक्त होने का सबूत देने पर मजबूर किया है। महोदय यदि आज पूरे विश्व में किसी चीज का बोलबाला है तो वह सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 का भारतीय संविधान से हटाया जाना। जी हाँ महोदय मैं उस भारतीय संविधान की बात कर रही हूँ जो एक हिंदू को मुसलमान से, एक सिख को ईसाई से, अमीर को गरीब से, पंजाबी को मराठी से और कश्मीर को केरल राज्य से जोड़ता है। उस संविधान के पहले पृष्ठ पर इसके रचकों ने बड़े गर्व से लिखा कि हम भारतीय नागरिक समाजवादिक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एवं गणतंत्र है। और ऐसे जहरीले अनुच्छेद का उस संविधान में मौजूद होना ही इस बात का कट्टर मुखालचर है। अध्यक्ष महोदय जब मैं देखती हूँ आज की युवा पीढ़ी, वो युवा जिनको अपने पीठ पे लाद के लानी थी अतीत की उपलब्धियाँ, वो युवा जिनको वर्तमान की तोड़ देनी थी कुंठा, वो युवा जब अपने हाथों में पत्थर लिए अपने ही देश के लोगों को मारने के लिए लग जाते हैं, तब मैं ये कहने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि अनुच्छेद 370 ने भारतीय संविधान में रहने से केवल और केवल अखंडमय भारत को खंड खंड करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय जब मैं देखती हूँ कि जहां के लोगों को नागरिकता बरसों से रहने वाले लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों को दूसरे धंधों में जाने से रोका जाता हो, जहां लड़कियों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार पाने के लिए अपने ही संवैधानिक अधिकारों का गला घोट देना पड़ता हो, तब मैं ये कहने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि अनुच्छेद 370 ने भारतीय संविधान में होकर अखंडमय भारत को खंड खंड करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय जब मैं सुनती हूँ भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सरहद पे लगाए जाते हैं, मुझे याद है जब हरिओम पवार साहब को कहते हुए सुना था कि राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती धाती पर, राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती धाती पर और भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर। मुझे याद है जब विनीत चौहान साहब को कहते हुए सुना कि कश्मीर वो बेवफा औरत हो चुका है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी के संग करना चाहता है। अध्यक्ष महोदय मुझे याद है जब मदन मोहन सवर साहब को कहते हुए सुना कि वहां पंजाब सिंध गुजरात मराठा वाला गान नहीं होता और पुस्तकों के पृष्ठों पर वहां हिंदुस्तान नहीं होता। जब मैं ये स्थिति अपने देश में देखती हूँ तब मैं ये कहने के लिए मजबूर हो जाती हूँ कि अनुच्छेद 370 ने हमारे भारतीय संविधान में रहकर अखंडमय भारत को केवल खंड खंड करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय मुझे एक कथन याद आता है। एक
पिता और पुत्री नदी पार कर रहे थे। एक पिता और पुत्री नदी पार कर रहे थे। पिता ने पुत्री से कहा कि बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो। पुत्री ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटी तुम हाथ पकड़ो या मैं हाथ पकड़ू, बात तो एक ही है। तो पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक पिता अपनी पुत्री का हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। तो हम भारत के लोग कश्मीर को कैसे छोड़ दें महोदय, हम भारत के लोग कश्मीर को कैसे छोड़ दें। और अंत में बस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी ये पंक्तियों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। देश के युवाओं की बुलंद आवाज। इसके बाद अगली वक्ता जारा खिलचीकर। नेशन इज बिल्ड बाय इट्स पीपल एंड नॉट प्लॉट्स ऑफ लैंड। द डेवलपमेंट इज व्हेन टुगेदर वी स्टैंड। नो वन कैन एवर मेक अ रिच कल्चर गो ब्लेंड। ब्रिक बाय ब्रिक, डे बाय डे, माय कंट्री विल ग्रो ग्रैंड एंड ग्रैंड। टुगेदर वी स्टैंड, टुगेदर वी स्टैंड। Very warm good morning to one and all. Myself Zahra Khilchipurwala from Sadabhai Raisoni Women's College is here to oppose the abrogation of Article 370, 2019 Amendment Act. Let us consider Jammu and Kashmir as a rebellious child who always wanted its own freedom, constitution and flag. Back in 1954, Jammu and Kashmir got their separate set of laws, including that of dual citizenship, ownership of property and fundamental rights as compared to other Indian states. Now, this child was enjoying its special perks, and suddenly, one fine day, they heard a man say, Mitron, bhaiyon aur behno, and taking away their 65 years old legacy. The abrogation of Article 370 was followed by mass rage, resulting in huge destruction of 15,000 crores. 15,000 crores in an economy which is already at its lowest. 4,000 people were allegedly detained, out of which 100 were children as young as 9. 350 of them under PSA law, without a bail for 2 years. Indeed, a lawless law. This wasn't enough. Using army brutality, house arrest of Jammu and Kashmir leaders, government not consulting its political rivals on issues of national sovereignty spoke volumes about short-sightedness and lack of political maturity. There were 190 incidents of stone pelting. You ask, what is secularism? What is federalism? What is diversity? What is unity? But I ask, where is the humanity? I haven't heard from my Kashmir brothers and sisters from past 5 months. Yes, from past 5 months. The world knows about Israelis. They know about China. They know about Tibet. They know about Palestine. But I find no media covering Kashmir. The hypocrisy went on peak when they claimed peace and celebration there. Sure, right? Kashmiris got sacrificed instead of lambs, and bullets got boomed as crackers. The way of implementation should have been smarter than the intention. How far? I ask, how far are we willing to stay numb till those lathis break the spine of our democracy? Even Justice Nariman considered this bill as permanent law. Why didn't Pandit Jawaharlal Nehru oppose this? Was his wisdom less back then? I would like to end my speech with this beautiful poem. Blossoming flowers and valleys so deep,
my people's stress and discontentment on peak. Their killings and harassment will make you weep. I wish the breeze of hope get their worries a sweep. Miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Thank you. Thank you, Zara. इन दोनों युवा विद्यार्थियों के विचार व्यक्त करना और उनकी विचार शैली ये बताती है कि युवा जोश में भी है और होश में भी है. इन दोनों को अब इस मंच से हम आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं. आई रिक्वेस्ट द डिग्निटरीज ऑन द डाइस टू प्लीज फेलिसिटेट एंड ब्लेस बोथ द स्टूडेंट स्पीकर्स, श्रेया मिश्रा एंड जारा किलचिकर को इस मंच की ओर से सम्मानित किया जाए और आशीर्वाद दिया जाए, यह निवेदन है. जोशपूर्ण काव्य पंक्तियों के साथ अपने विचार हम सबके सामने पूरे आत्मविश्वास से रखने वाली श्रेया, और जारा खिलचिकर जिन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज में बड़े संजीदगी से अपनी बात हमारे सामने रखी. दोनों ही का वक्तृत्व कौशल इस मंच के द्वारा सराहा जा रहा है. सभी अतिथियों का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद. और अगले सत्र के वक्ताओं का शुभागमन हो चुका है, इसलिए वाणी साहब से निवेदन है कि कृपया शीघ्रता पूर्वक इस सत्र का समापन करें. आपको तीन बच्चों को हम पूछने के लिए जो छोटे छोटे से तीन क्वेश्चन पूछेंगे, जो जानना चाहेंगे और कुछ, इफ मतलब इतना सारा डिस्कशन यहाँ पर हुआ, इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू सम क्लेरिफिकेशन, थ्री विल बी गिवन चांसेस, तीन साइडों में से तीन बच्चे बताएंगे, आप बताइए. हेलो सर, माय नेम इज कुणाल, और मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कश्मीर में मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया गया, अमरनाथ यात्रा बीच में रोक दी गई, साथ ही में जो पॉलिटिशियन है उनको होम अरेस्ट कर दिया गया, और जिस दिन कश्मीरी सोए अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने अपने आप को कर्फ्यू में पाया गया, तो क्या हम ये कह सकते कि उनकी जो हक थे उसे कश्मीरियों से छीन लिया गया था? सवाल तो इस पर बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब मैं दूंगा. मैं पूरे इस घटनाक्रम का खुद चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं थी, लेकिन मैं उस दिन से जमीन पर था, मैं हर जगह घूम रहा था. जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है, इस पर अगर असहमति कहीं पर है पूरे दुनिया में या देश में, वो इसी बात को लेकर है कि अगर ये हटाने से कश्मीर के लोगों के लिए या जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए कुछ भला था तो उनसे पूछकर क्यों नहीं किया गया. क्योंकि पहले जब ये अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, टेम्परेरी था, लेकिन इसमें इतना ज़रूर था कि अगर इसमें कोई भी चेंज या बदलाव लाया जाए, वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, जो वहाँ की चुनिंदा सरकार है राज्य की या वहाँ के चुनिंदा प्रतिनिधि है, वही डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या बदलाव लाना है और चेंज लाना है. और मैं जो मैंने शुरू में कहा कि 1947 से 1965 तक उसमें काफ़ी सारे बदलाव लाए गए थे, वो उसी रास्ते से लाए गए थे. वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो प्रस्ताव रखती थी कि इस तरह के कानून में कमी करनी, और वही चाहती तो वो भी एक भी कह सकती थी कि धारा अनुच्छेद 370 जो है इसको हटा ही दो, ख़त्म ही कर दो, तब भी हो सकता था. तो जाहिर है कि जिस अंदाज से वहाँ के लोगों को, वहाँ के पॉलिटिशियंस को, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, चुनी हुई वहाँ की विधानसभा को इस फैसले में भरोसे में नहीं लिया गया, उस पर कोर्ट पे भी प्रक्रिया चल रही है, सवाल भी उठ रहे हैं, और शायद सरकार को भी जवाब देना होगा. और महत्वपूर्ण बात यह है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, अनुच्छेद 370 हटा है, लेकिन इसका रिएक्शन बाहर नहीं आया है. इसका जमीन पर रिएक्शन क्या होगा, हमारे पड़ोसियों का रिएक्शन क्या होगा, वो अभी देखना बाकी है. अभी ठंड का मौसम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, अभी इंटरनेट सेवाएं बंद है, अभी लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अभी स्कूल बंद है. मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों, सर को सुनिए अच्छी तरह, सर को ठीक तरह सुनिए, किस हद तक सही था और लिसन टू हिम. ओके, ये मैंने बता दिया. और अशरफ साहब, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा. अशरफ साहब, कोई नहीं,
اشرف صاحب نے ایک بات کہی کہ وہاں کے لوگوں سے پوچھ کے کیا جانا چاہیے تھا ڈیموکریسی میں. میرا ایک سوال ہے کہ جب 370 لگایا گیا تھا تب کیا وہاں کے لوگوں سے پوچھ کے لگایا گیا تھا؟ تب کیا وہاں کی مہیلاؤں کو پوچھنا تو دور, لگانے سے پہلے اور پاس کرنے سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے پراپرٹی کے ادھیکار ختم ہو جائیں گے اگر تم کشمیر سے باہر شادی کرو گی؟ تو دوسری بات, پڑوسی کیا کرے گا؟ ارے پڑوسی تو جو روز کر رہا ہے کر رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. اب پڑوسی کی چنتا کرنا چھوڑ دیجیے اشرف صاحب, پڑوسی کی چنتا کرنے کے لیے ہمارے سردار صاحب کی سینائیں موجود ہیں وہاں. پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کیا کرے گا؟ دماغ خراب کر دیا. وہ وہاں سے آتے, دیکھیے اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اسے سمجھ لیجیے. آج وقت کم تھا, نہیں میرے بیٹا ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. کہ منی شنکر ائیر لاہور جاتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, یہ ڈیموکریسی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. ان میں سے ایک نے منی شنکر کو کنڈیم کیا کہ بھارت کی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ سرکار اور اس کے پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کی مدد مانگتا ہے جا کر کے. ہمت ہے ان کے اندر اس کو کرٹیسائز کرنے کی؟ اور اگر ان کے منہ میں زبان نہیں ہے اسے کرٹیسائز کرنے کی تو یہ خود پاکستان کے ایجنٹ ہیں وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں. یہاں ہر چیز کو ہندو مسلمان میں بانٹتے ہیں. میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں ہندو اسکالر ہوں, میں اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں کسی ہندو کو, میں ایک اتہاسکار ہوں. چین کے اندر مسلمانوں پہ جو ہو رہا ہے اس کو کنڈم کرنے میں ان کی جان نکل جاتی ہے, وہاں ان پہ آواز نہیں آئے گی. اور جو مسلمان مسلمان کی ٹھیکیداری کرتے ہیں ان سے میرا صاحب ڈیبیٹ جاری ہے کیا؟ یہ سوال ایسا ہے, ون ٹو ون کر سکتے ہیں کیا؟ میں تو سمجھ رہا تھا ڈیبیٹ ختم ہو, جتنا گھنٹہ ڈیبیٹ کرنی ہے کریے. بولو ہندوستان زندہ باد. میں چیلنج کرتا ہوں اور گھنٹے بھر ڈیبیٹ کرے, پانچ گھنٹے کرے. ارے بھائی یہ بتاؤ, ایک لائن کیا, جب ایک ودھان ایک سمودھان کی بات کرتے ہو, ناگالینڈ کو آپ نے الگ کر دیا. ناگالینڈ ایکارڈ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں, ناگالینڈ کا جھنڈا الگ ہے. 15 اگست کو ہمارا جھنڈا پھہراتے, ناگالینڈ والے 14 اگست کو جھنڈا پھہرائے تھے. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ پاکستان یہ ناگالینڈ کو الگ کرتے ہیں بھائی. ناگالینڈ کے لیے ایک سمودھان اور ایک پریدھان نہیں ہے. آج بھی نعرے لگائے ہیں, کشمیر کی بات کرتے ہیں, ناگالینڈ کو جھنڈا دینے والے یہی لوگ, ناگالینڈ کو الگ اسٹیٹ الگ کانسٹیٹیوشن دینے والے یہی لوگ. ناگالینڈ کے بارے میں ذرا بولیے نا. اپنے کئی ذکر یہ نہیں کیا کہ کشمیر کے اندر جو پاکستان کے جھنڈے پہنتے تھے اس میں بولے ہمت ہے ان کی بولنے کی؟ ارے تھوڑا ناگالینڈ کے بارے میں بول دیجیے, سوائے آگ لگانے کے اور دیش کو بچانے کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں کرتے. ہیلو, ون ٹو تھری. سر میں لداخ کا ہوں, مائنورٹی آدمی, میں آپ لوگوں کے سامنے ہندی بولوں گا, ہندی. اب میں ہندوستان کا ہوں مائنورٹی آدمی. سنیے, یہ جو آپ دونوں کر رہے ہیں نا, اس کی کو پرتکریا بولتے ہیں, ریئیکشن. یو ہیو ٹو کنٹرول یور ریئیکشن, یو ہیو ٹو ایکٹ پازیٹیولی. Wait. سر آپ نے اتنے سال کنٹرول کیے تھے. اصل میں ہم لوگ نیوٹن کے ماننے والے, نیوٹن کے ماننے والے ہیں ہم لوگ. بھائی سنیے, اشرف صاحب نے مجھے موقع دیا, مائک دیا, آپ تھوڑا سا مجھے بولنے دیجیے. سر یہ 370 اور کشمیر پہ بات ہو رہا ہے, کشمیر زخم ہے, پورا ہندوستان زخم ہے, صحیح بات ہے, لیکن جہاں تیر لگا ہے وہ میں ہوں, جہاں تیر لگا ہے وہ یہ ہے, جہاں تیر لگا ہے جنرل صاحب ہے. ہم جان دی ہے بھارتیہ سینا نے, تیر نہیں لگا ہے. اور اگر کوئی کشمیری کے حق کے بارے میں جان دی ہے تو دیکھیے تیر بھی نہیں لگا. ابھی سنیے مجھے, تھوڑا سا مجھے بولنے دیجیے. پونجب صاحب ایک بات بولنا چاہتا ہوں, دیکھیے یہ اور یہ ہمارے بھارتیہ پریوار ہے اور ان سب کی ذمہ داری
भारत माता की है। जनरल साहब एक सवाल है, एक मिनट जनरल साहब, ये बताइए उमर फैयाज और जो आपने सवाल पूछा है, मेरे को इतना अच्छा लगा है कि हमारे भारत में हर एक व्यक्ति, हर पूरा राष्ट्र, पूरा समाज। जनरल साहब उमर फैयाज कौन है? उमर फैयाज कौन है? उमर फैयाज कौन है? वो भी जनरल ही था, कश्मीरी। एक कश्मीरी थे जो भारतीय सेना का सिपाही था, जिसने अपनी जान दी हिंदुस्तान के लिए। और मुझे फक्र है कि जितना कश्मीर के आतंकियों के जनाजे में भीड़ नहीं होती थी, उतना एक भारतीय सैनिक उमर फैयाज कश्मीरी के जनाजे में उतना कश्मीरी उमड़े थे। भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बस बस अब टाइम नहीं है, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब इतनी ज्यादा बातें हो गई, लेकिन 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 ये कि कश्मीरी पंडितों को जब कत्ल करके निकाला गया था, तब इनकी जबाने कहां थी? चलिए इसी के साथ कश्मीरी पंडितों को जगमोहन साहब जो गवर्नर थे, 19 जनवरी 1990 को बड़े चालाकी से निकाला था, और 20 जनवरी 1990 को गौकाडल ब्रिज मैसेकर हुआ था, जिसमें 50 कश्मीरियों को मार दिया गया था। उसके बारे में इतिहास याद नहीं है आपको? बस सर 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 इस सेशन वंस अगेन आई थैंक दिस Raisoni ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स and particularly Sunil Raisoni ji for conducting this important topic in the youth parliament here in the institute. We enjoyed it. Hello. I hope all the students enjoyed and got something. Sir, so we are concluding. Thank you very much. Some more questions. Hello. Bharat Mata Ki. Bharat Mata Ki. Jai. Do. 5 minutes aur. Kyunki kafi colorful session raha. 5 मिनट और दिए गए हमें। एक स्टूडेंट ने स्लिप पूछा था, हमने 3 से प्रॉमिस किया था, 3-4 की। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी पैनलिस्ट से पूछना चाहता है, लेकिन पर्टिकुलर उसके लिए पैनलिस्ट के लिए मैं बता दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोई बात जानना चाहेगा, इट्स रेस्पॉन्स शुड बी वेरी ब्रीफ। चलिए बताइए, सवाल की आजादी है। बताइए स्कूल से कोई अगर पूछना चाहता है, पूछे। हाँ, कौन स्टूडेंट जान, आप ये भी बताइएगा किसे आप जानना चाहेंगी अपने इस क्वेश्चन का आंसर। सर इज इट ऑडिबल? माइक ले जाओ भाई, सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। हेलो चेक, हेलो सर, गुड आफ्टरनून द ऑनरेबल पैनल। But my question is to the person opposing this decision. Sir, professor from Jamia. Yeah, Shoaib Jamai. Yes, sir. Thank you. So my question is, are you really against this abrogation? Absolutely. You're absolutely against the way it has done. You're against the way it has been done. Also, this is the constitutional illegality is involved in this abrogation, because you have to consider and consult the legislative assembly of the Kashmir itself. Yes, sir. I heard your speech very well. So, thank yes, you. It is known that you are against the constitutional illegalities. But
your statement is that it indirectly says all the injustice that 370 would impose on the citizens is worthy just to, you know, avoid the constitutional illegalities. Like, we should avoid those injustices just to avoid illegalities. Thank you. Like, changes cannot be made just because some decision 50 years ago was a different one. सवाल हो गया सर मेरा सीधा सवाल ये है कि आपको ये लगता है सीधा सवाल ये है कि 50 साल पुराना डिसीजन अगर गलत है तो आज उसको चेंज नहीं करा जा सकता क्योंकि 60 साल पहले कुछ और बोला गया था जी देखिए असल में जब हम संविधान की बात करते हैं आज हमारे साथ हालात क्या है हम नागालैंड अकॉर्ड की बात करते हैं आर्टिकल 371 ए आप पढ़िए नागालैंड को एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसके साथ जो वहाँ प्रोविजंस हैं उसको हमने स्पेशल स्टेटस दिया है नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया है उसका झंडा अलग है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नागालैंड नागालैंड 14th अगस्त को अपना आजादी दिवस मनाता है मेरा ये कहना है कि अगर आपको समान संविधान और समानताएं लागू करनी है तो आपको हर तरफ लागू करना पड़ेगा और मेरा ये मानना है कि आर्टिकल 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर था अगर आर्टिकल 370 बाद में जाके इंसर्ट होता 1970 में होता 80 में होता तो मैं ये मान सकता था कि आप ये प्रोविजंस टेम्पररी उसको आप चेंज कर सकते हैं लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हो रही थी जब बाबा राव भीम साहब अंबेडकर और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान के मेंबर उन्होंने ही आर्टिकल 370 को संविधान का मूल हिस्सा बनाया था केशवानंद भारती केस 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते बताइए इसमें से कोई होगा ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता होगा सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं आप लोग मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए ना दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप पूछिए सर मेरा सवाल शोएब सर से है किससे आपसे सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत चाहते हैं आप लोग हमें सर मेरे दादाजी मिलिट्री में थे उन्होंने 71 और 65 की लड़ाई लड़ी है और आज जब वो 370 का फैसला देखते तो उन्हें गर्व होता है कि मेरी लड़ाई जो मैंने जम्मू के लिए लड़ी थी वो बेकार हो गई सर मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है आप 370 की बात करते हैं सर अगर आपके ऊपर जहरीला तीर छोड़ दे कोई तो आप उस तीर छोड़ने वाले को ढूंढेंगे कि ये डॉक्टर को ढूंढेंगे तो आज जब हमें उस जहरीले तीर की दवाई मिली है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों है और सर आप बात करते हैं पॉलिटिकल विचारधाराओं की सर इन्हीं लड़ाइयों के चक्कर में हम कई सौ साल पहले लड़ते थे और वो लुटेरा सोमनाथ तक पहुंच चुका था तो आज जब कश्मीर बचाने की बारी आ रही है तो वो लड़ाई बार बार बीच में क्यों आ रही है क्या क्या आप मैं दो मिनट में आपका जवाब दे दूंगा देखिए जब भारतीय सेना की बात होती है आपको मालूम है हिंदुस्तान का कौन वो फौजी था जब हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला शहीदी दिया था क्या नाम था बताइए किसी को मालूम है हिंदुस्तान के पहला शहीद होने वाला भारतीय फौजी कौन था आजादी के बाद ब्रिगेडियर उस्मान था कौन ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल अमीद 1972 की जंग में जो है वो शहीद हुए थे और इस वक्त कश्मीरी आवाम बहुत सारे कश्मीरी जनरल साहब जानते होंगे कश्मीरी जो वहां के मुस्लिम कश्मीरी है वो भारतीय सेना में इस वक्त अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उमर लेफ्टिनेंट जनरल उमर फयाज औरंगजेब जिसने अभी शहीदी दिया आप ये समझते हैं कि कश्मीरी जो है भारतीय सेना में नहीं है तो ये बड़ी गलतफहमी है जब अमरनाथ का यात्रा होता है तो यही कश्मीरी आपके लिए सुरक्षा कवच बनते हैं भैया दिक्कत ये है उस कश्मीरी को तकलीफ नहीं है तकलीफ इन्हें यहां बैठे हुए हो रही है आपको ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर में तकलीफ नहीं है कश्मीरी को तकलीफ नहीं है तकलीफ इनको है और इनसे एक बात कोई सवाल पूछे ये बीच में बोलने वाली संस्कृति कहां से आ गई हम शास्त्रार्थ में विश्वास करते हैं आपकी तरह सवाल मुझसे पूछा गया था सर आपसे पूछा गया अरे मेरे हिंदुत्व में रोड़ा मत बनिए आप मेरा हिंदुत्व है विचारधारा की आजादी शोएब साहब एक छोटा सा सवाल विचारधारा की आजादी
तीसरा आपने अपने देखिए ये डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं। डेमोक्रेसी का गला आप कैसे चलना घोट रखा, आप कैसे चलना घोट रखा। अरे भाई साहब ये जेएनयू नहीं है कि जो डंडा लेके घुस जाओगे, ये तुम्हारा जेएनयू नहीं है जो तुम आग लगा दोगे, ये तुम्हारा कामयाबी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। सेकुलरिज्म भारत के संविधान में नहीं था, ये जिस संविधान और कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब क्या सेकुलरिज्म को भी नहीं मानते, सेकुलरिज्म को भी नहीं मानते हैं। सुन लीजिए मैं मान नहीं रहा। अरे हिंदुस्तान सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। मेरी बात का जवाब दे। याद रखिए जो सेकुलरिज्म के खिलाफ है वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, हमारे रगों में बसता है सेकुलरिज्म। ये कहते हैं सेकुलरिज्म के मतलब दो होंगे, क्वेश्चन पूछे सेकुलरिज्म का मतलब ही नहीं मालूम क्या होता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक कैलाशा बसाया गया है, कैलाशा में सेकुलरिज्म नहीं चलता के अंदर। हिंदुस्तान है, तालिबान नहीं है, तालिबान नहीं है। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, और जब तक लोकतंत्र रहेगा शोएब जामई बोलता रहेगा। ये सीरिया नहीं है, इमरजेंसी के अंदर सेकुलरिज्म को घुसाया गया। सारा अपोजिशन संविधान का था सर, मुझे हिंदू मेरे हिंदुत्व में रोड़ा नहीं बनो सर। अच्छा सर, मुझे भी हक दो सर बोलने का प्लीज। ओके ओके प्लीज टेल सर। सैल्यूट है आपको। थैंक यू वेरी मच। किसको सैल्यूट, किनको सर? आपको सर सैल्यूट। थैंक यू सर। पता नहीं क्वेश्चन नहीं है, मैं सुनना चाहती हूँ आपको, सिर्फ आप बोलो सर। चले सर। बैठ के चले करे कंक्लूड। ओवर टू यू वानी सर, आप कंटिन्यू कीजिए कंक्लूड। ओके तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। रायसोनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सुनील जी सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पैनलिस्ट की तरफ हम तो एक बार मिल के आए फिर दोबारा बैठ गए, लेकिन क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको ये बताऊंगा कि ये जो 370 है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, इसका एब्रोगेशन हिस्टोरिक है। इट इज हिस्ट्री, इट इज द चेंज इन हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, देयर इज नो डाउट। बट व्हाट विल बी इट इज रिपोकेशन सो फार, दोज हैड नॉट कम आउट, वी हैव टू वेट एंड सी। सो फार द थिंग्स आर वर्किंग इन द गुड वे, द गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन कर्बिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द पॉजिटिव फैक्टर। There are people in the Kashmir Valley who are so much happy with the abrogation because all the political leaders had been detained. They seem feel that the politicians are the main collaborators and they are so much corrupt that they are the barrier in the development of the Kashmir. But on the other hand, the promises so far made by the government of India, particularly by the Home Minister and Prime Minister, the people of Jammu and Kashmir will be waiting when and how quickly they are going to be fulfilled. Let us hope for bright future of country as well as for Jammu and Kashmir. And Kashmir is always a special place, space for every countryman. I am aware about it. I know when the people come to Kashmir, how much they love that and how much they feel proud that Kashmir is the part of the great country India. Thank you very much. इसके बाद हमें अगले सत्र की शुरुआत करनी है। एक बार जोरदार तालियों से इस सत्र के सभी पैनल्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे।
और अगला सत्र जो है हम जो शुरू करने जा रहे हैं आइडियोलॉजी वर्सेस पावर, इस विषय पर ये अगला सत्र है। इस सत्र में जो मॉडरेटर हैं वो हैं मैडम राखी बख्शी जो कि जानी मानी टीवी पर्सनालिटी हैं, और इस सत्र के वक्ताओं में हैं श्री सुधीर मुनगंटीवार पूर्व वन मंत्री, श्री सुनीत चोपड़ा, श्री आशीष जायसवाल जी और श्री तहसीन पूनावाला। ये मंच अब अगले सत्र के लिए तैयार हो रहा है और तुरंत हम अगला सत्र शुरू करेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ से बाहर ना जाएं, सब लोग यहाँ पर बैठे रहें।